हाई गाइज गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है सीप पाजा आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड आप लोग बेटा जी तैयारी कर रहे होंगे टी और शायद कुछ बच्चे ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स की भी है ना मुझे बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं जो नाइन्थ में है टेंथ में है वो भी हमारा सेशन देख कर अपने बेसिक्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आज बेटा जी हम सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ब्यूटिफुल पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के एंड दैट पार्ट इज नन अदर देन ह्यूमन हार्ट हार्ट की थोड़ा बेसिक्स हमने कर लिया था ये चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लुड एंड सर्कुलेशन दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि क्लास इलेवंथ का लास्ट यूनिट है इस यूनिट की काफी ज्यादा वेटेज है अराउंड मार्क्स का पेपर बेटा जी इस यूनिट में से बनता है तो इंपॉर्टेंट है ये यूनिट ठीक है इस यूनिट में हम ऑलरेडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैश कर चुके हैं आगे बढ़कर हमारा अगला चैप्टर बनता था बॉडी फ्लूड्स बॉडी फ्लूड्स में कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट द ब्लड ब्लड के सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, प्लाज्मा क्या है ब्लड कारपोसल्स में क्या क्या चीजें आती हैं Blood clotting का क्या मैकेनिज्म है क्या क्या होता है? Blood grouping का क्या mechanism है? का आई होप आप सबको वो सारी चीजें 100% परसेंट क्लैरिटी से समझ आ गई होंगी आज का हमारा टास्क है वन इज हार्ट सेकेंड वन इज योर ब्लड वेसल्स एंड देन वी विल एंड इट विद डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम तो फटाफट फड़ से बेटा सब बच्चे एक्साइटेड है यस एक्साइटेड फॉर दिस क्लास तो क्लास को बेटा कर दीजिए लाइक सो दैट मुझे आप सबके बारे में पता चल जाए आप सबके एक्साइटमेंट के बारे में पता चल जाए एंड आप अटेंडेंस लगा दो इट्स काइंड ऑफ अटेंडेंस देखो मैं स्कूल की तरह तो रजिस्टर लेके नहीं आऊंगी यानी कि बच्चे का नाम बोलूंगी दैट इज नॉट पॉसिबल है ना उस तरीके से अटेंडेंस लग नहीं सकती है तो आ जाओ फटाफट से सब बच्चों यस जस्ट अ सेकेंड सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एवरी वन जो भी अभी क्लास में नहीं है फटाफट से आ जाइए यस yes. आ गए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो है सब सही है हाँ जी बेटा आज अक्टूबर खत्म हो रहा है जो हम बोलते थे ना इतने महीने बचे हैं इतने महीने बचे हैं छह महीने बचे हैं नीट में सात महीने बचे हैं अब एक और महीना खत्म हो चुका है यानी कि अब मेरे पास नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च अप्रैल लिटरली छः महीने अप्रैल का महीना तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत पैनिक में वो बहुत लास्ट टाइम रिवीजन में जाता है तो मेरे पास अब पाँच महीने बचे हैं नीट 2024 को क्रैक करने के लिए अब नीट 2024 के लिए अभी तुम सीरियस नहीं हुए अभी भी सीरियस नहीं हुए तो ये मुझे नहीं पता कब हो गे. मैं हमेशा बोलती हूँ उस दिन का वेट मत करो कि पानी नाक से ऊपर चला जाए पानी अगर नाक से ऊपर चला जाएगा तो सांस सांसानी बंद हो जाएगी अभी पानी सिर्फ यहां तक है मुंह से सांस भी ले सकते हो नाक से भी ले सकते हो लेकिन आफ्टर टू थ्री मंथ्स पानी यहां पर होगा फिर तो बस जितना हो गया बाकी भगवान भरोसे होता है अभी भी बेटा यू हैव टाइम टू चेंज योर डेस्टिनी एंड डेस्टिनी चेंज करने के लिए कुछ पल ही लगते हैं कुछ महीने ही लगते हैं एक बारी अगर आप लास्ट के छह महीने में भी सीरियस हो गए बेटा जिस पोजीशन पे आज आप है ना उससे बहुत बेहतर पोजीशन पे होंगे मैं ये नहीं कहती कि आज आप जीरो हैं कल आपको एम्स मिल जाएगा इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूं आज, आज आप जहां भी है 300 आ रहे हैं 200 आ रहे हैं या 500 भी आ रहे हैं उससे आप 200 नंबर आगे होंगे अगर आपने अगले पांच महीने अच्छे से पढ़ लिया और उसका एक महीना अगला अच्छे से रिवाइज कर लिया तो स्टिल यू हैव दिस पेपर इन योर हैंड इंतजार मत करिए उस समय का जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी मैं बता रही हूं जैसे ही डिसंबर खत्म होगा थिंग्स विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल फिर बस जितना है उसी को रिकेपिचुलेट किया जा सकता है उसी को बेटा जी रिवाइज किया जा सकता है एनहांस नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज आज तुम एनहांस कर सकते हो इसीलिए जो गलत काम या फिर टाइम वेस्ट तुम्हारा चल रहा है उस टाइम वेस्ट से अपने आप को बचाइए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ठीक है जी यस <laughs> yes. हाँ जी स्टार्ट पोर्शन शुरू करें शुरू करें जी आ जाओ हाँ जी तो आज हमने शुरू करना है विद ह्यूमन हार्ट कल वाला पोर्शन आई होप सबने रिवाइज कर लिया था कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था होमवर्क बेटा जी सबने सॉल्व किया था या नहीं किया था कल मैंने आपको स्पेशल क्लास में हमारी ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं ये आपका होमवर्क था हमारी ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं एंड आज की स्पेशल क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि आज असल वाला गिव अवे होने वाला है कल का गिव अवे ड्यू टू सम रीजन हमें पोस्टपोन करना पड़ा वो आज होगा मतलब आज एक नहीं आज दो बुक्स मिलेंगे कौन से बुक्स जो बुक, बेटा मैंने मैंने खुद लिखी है आप चेकआउट कर सकते हैं उसको अमेजोन पे जाकर जिसमें आपको पी वाई क्यूज एक्साम्पलर एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एजर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक ये सारी चीजें एक जगह पर एक ही प्रॉपर कंसाइज फॉर्म में मिलती हैं ठीक है आज मिलेगा आज एक नहीं दो बच्चों को मिलेगा तो ये क्लास कब होगी आज साढ़े छह बजे होगी थोड़ा सा लेट कर दिया है ऑन योर रिक्वेस्ट लिंक यहां पर पिन किया हुआ है सब बच्चे इस पिंड लिंक पर जाएंगे एंड अपने आप को एनरोल कर लेंगे ठीक है क्या करेंगे एनरोल कर लेंगे शुरू करें <laughs> एनरोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है टू गेट That giveaway. अगर आप एनरोल ही नहीं करते डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे तो बेटा जी गिव अवे वो कम हो जाते हैं, yes, आ करते हैं बेटा, human heart से। यहां तक हमने कर लिया था इसका आंसर भी नो no था कल मैंने आपको क्लास में बताया इसका आंसर भी क्या था नो no था okay. hmm. यस बेटा ह्यूमन हार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताना चाहूंगी अबाउट सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ वेरियस मैमल्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैमल्स के आप सर्कुलटरी सिस्टम ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स तो वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिए हां जी यहां पर आ जाओ लेट मी जस्ट स्टार्ट यस yes, सबसे सब पहले लेख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स इधर ध्यान दो ये हम ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा वो होता है जिसमें कैपिलरीज भी होती हैं एंड ब्लड फ्लोज इन अ क्लोज स्पेस एंड दैट क्लोज स्पेस इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल आज पूरा फोकस आपका मेरे पर होना चाहिए मुझे आप ध्यान से सुनेंगे एंड जैसे जैसे हम डायग्राम्स को बनाते जाएंगे पोर्शन कवर करते जाएंगे वैसे वैसे बेटा जी आप उसको साथ साथ नोट करते जाएंगे और उसका थ्री हम देखते जाएंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लोज एंड ओपन एनिमल किंगडम में किया था इसीलिए दोबारा नहीं लिख रही हूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें दिल होता है आर्टरी होती है वेन होती है लेकिन क्या नहीं होती कैपिलरी नहीं होती है यानी कि सारा का सारा ब्लड जो आर्टरी में से आ रहा है वो इन ओपन स्पेसेस में घूम रहा है इन ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं साइनसेस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं कैविटीज बोलते हैं इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फिर सवाल आता है क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दिल होता है हाँ दिख रहा है यार क्या कैपले kita... ब्लड वेसल्स होती है हाँ होती है आर्टरी भी है वेन भी है क्या नहीं है कैपिलरी नहीं है ब्लड कहां फ्लो कर रहा है ओपन ओपन स्पेसेस स्पेसेस में इन को हम लोग क्या बोलते हैं साइनस बोलते हैं नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट सब सेम है दिल है है आर्टरी वेन है साथ ही में क्या एडेड है कैपिलरी अगर तुम यहां ध्यान दोगे ये तुम्हारी बॉडी के सेल्स हैं यानी कि जो यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वो स्पेसेस में नहीं जा रहा इट इज फ्लोइंग इन अ क्लोज्ड वेसल कैपिलरी के अंदर घूम रहा है अगर किसी चीज को बाहर जाना है तो यहां से उठ के जाओ यानी कि ऑक्सीजन सीओ टू ग्लूकोज माइनो एसिड यूरिया किसी को भी अंदर बाहर करना है तो बैरियर को क्रॉस करने पड़ेगा ब्लड नहीं जाएगा दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम नेम द फर्स्ट फाइलम विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यस बताओ फटाफट से फर्स्ट फाइलम विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है यस फर्स्ट फाइलम विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताएं बिल्कुल सही है मुझे देखिए बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम सिर्फ सुनने से हो जाएगा या अगर आप सोच रहे हैं आपका काम सिर्फ लिखने से हो जाएगा नहीं यू हैव टू बी वेरी एक्टिव अब अगला एक घंटा सुपर डुपर एक्टिव रहे हम पूरा चैप्टर यहां पर खत्म करने वाले हैं तो फोकस से इस चीज को सुने सुनेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो यार आज का अवे नहीं मिल पाएगा ये बुक नहीं मिल पाएगी दिस रिटन तो को मिलेगा जो आज का लेक्चर सुनेगा ना आज के क्वेश्चन आसान नहीं है ये मैं पहले बता रही हूं आसान नहीं है कल तो सिंपल था आज सिंपल नहीं है यहां पिन हुआ? इस पिंड लिंक पर जाकर इस पिन लिंक पर जाकर आप लोग एनरोल कर लीजिए ओके चलिए तो फर्स्ट फाइलम इज एनेडा साथ ही में सिफेलोपोर्ट मोलस्क में और वर्टिब्रेटा हम में भी तो होता है अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऑर्थ्रोपोडा हमें पता है मोलस्का में नॉन मोलस्क आते हैं एंड आपकी लीचेस आ जाती है एनलेडा में एक्सेप्शन कौन सा है लीचेस का है ठीक है जी चलिए तो यहां आ जाइए अब मेरे पास अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास वर्टिब्रेटा में किस में वर्टिब्रेटा में दिख रहा है वर्टिब्रेटा में कौन कौन आ रहा है एक तो फिश आ रहा है एम्फीबियन आ रहा है हाँ जी लिखवाओ मुझे फिश एम्फीबियन रेपटाइल आ रहे हैं एव्स आ रहे हैं एंड मैमल्स आ रहे हैं ठीक है इन सब में अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है बट डिफरेंस किस चीज का है डिफरेंस है नंबर ऑफ चेंबर्स का अगर मैं बात करूं फिश के हार्ट की अगर बेटा जी मैं बात करूं फिश के हार्ट की तो फिश हैज ओनली टू चेम्बर्ड हार्ट अगर मैं बात करूं एम्फीबियन और रेप्टाइल के एम्फीबियन और रेप्टाइल के हार्ट की ये देखिए डब्बे बनाए जब तक डब्बे वाला हार्ट बनाना नहीं आएगा तब तक हार्ट समझ ही नहीं आ सकता मुझे नहीं लगता इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने से हम ज्यादा कुछ सीखते हैं डायग्राम के लिए थ्री डी है अभी थ्री डी में देख के चले जाएंगे असल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हार्ट को सिंप्लीफाइड में करना पड़ेगा आपको डब्बे वाले हार्ट में बनाना पड़ेगा ठीक है जी अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो दो इन केस ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल द हार्ट हार्ट इज एक्चुअली थ्री अपर चेंबर दो होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल एक ही होता है अगर मैं बात करूं आपके एब्स और मैमल्स की तो इसके पास कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट है ठीक है जी फोर चेंड हार्ट है फिश में जो चेंबर्स है फिश का भी मैं डिटेल्ड हार्ट भी बनाऊंगी एट्रिया वेंट्रिकल इधर अगर तुम ध्यान दोगे दिस इज गोइंग टू बी

अब आपको मैंने एनिमल किंगडम में एक बात और बताई थी कि कौन कोल्ड ब्लडेड है, है. पॉसिबिलिटी है? है, है? है कि वो अपने अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख पाएगा अब एनर्जी बनना किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब जरा इधर ध्यान दो इन दोनों केसेस में इस केस में तो अगर मैं बताऊं बॉडी को बॉडी के सेल्स को मिक्स्ड ब्लड मिलता है क्या मिलता है मिक्स्ड ब्लड ब्लड मिलता है है जबकि इधर मैं बात करूं यहां 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 पर कंप्लीट सेपरेशन देखो ना बेटा यहां से आया, यहां से आया ऑक्सीजनेटेड यहां के मिक्स हो गया मिक्स होने का मतलब है यहां से मिक्सड ब्लड सेल्स को मिलेगा अगर मिक्स ब्लड सेल्स को मिलेगा तो क्या वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता रख पाएगा नहीं उसमें एनर्जी कम बनेगी ठीक है मिक्सड ब्लड मिलने की वजह से एनर्जी क्या होगी इसमें लेस बनेगी और इधर बेटा प्योर ब्लड मिलेगा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा जिसकी वजह से इन दोनों में एनर्जी की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी दैट इज वाई दैट इज वाई दिस एंड दिस फिश एम्फीबियन एंड रिप्टाइल दे आर दे आर कोल्ड ब्लडेड ये क्या है कोल्ड ब्लडेड है और एव्स और बैमल्स क्या है वम ब्लडेड है ठीक है कोल्ड ब्लडेड को और क्या बोला जाता है पोई किलो थर्मल पोई किलो थर्मल वॉर्म ब्लडेड को और क्या बोला जाता है होमियोथर्मल क्योंकि होमियोस्टास होता है होमियोस्टास होने के लिए एनर्जी चाहिए एनर्जी के लिए प्योर ब्लड चाहिए और प्योर ब्लड पॉसिबल है बिकॉज हमारा कंप्लीट सेपरेशन है लेफ्ट और राइट साइड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ठीक है यस ये चीज याद रहेगी चलिए अब जरा फिश का हार्ट एक बार देख लेते हैं यस फोकस करिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया अब फोकस करो हार्ट ऑफ फिश कितने है है दो मेन चेंबर कौन से हैं? मेरे पेन पे जाना है बेटा सबने मेरे पेन पर बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है मेन चेंबर्स आपके कौन से हैं? एट्रिया एंड वेंट्रिकल एट्रिया और वेंट्रिकल के अलावा कुछ एक्सेसरी चेंबर है कौन कौन से साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोस ये एक्सेसरी चेंबर है मेन नहीं है मेन तो कौन से हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल तो आप इसको कभी भी टू चेंड और कभी भी इसको फोर चेंड हार्ट नहीं बोलोगे आप इसको हमेशा टू ही बोलोगे क्योंकि मेन तो दो है ठीक है चलो ये बॉडी पार्ट है नीचे देखो ये मेरे पास क्या है बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट ने रेस्पिरेशन uh, किया ब्लड में सीओ को एड किया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट चेंबर के पास गया साइनस विनोस साइनस विनोस से अगले चेंबर पे गया एट्रिया अगले चेंबर में गया वेंट्रिकल डी चल रहा है फिर बेटा जी ये जो आपका हार्ट है ये ब्लड ब्लड भेज देगा गिल्स को। गिल्स को को इसको क्या करेंगे ऑक्सीजनेट एंड देन बेटा जी ऑक्सीजनेटेड पहुंचेगा बॉडी मतलब फिश के हार्ट में ब्लड कितनी दफा एंट्री लिया बताओ कितनी बारी एंट्री लिया एक ही बारी लिया ना यहां से एंट्री लिया डिऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से एग्जिट ले लिया अगर फिश के हार्ट में एंट्री एक ही बारी हुई है एंट्री एक ही बारी हुई है तो क्या बोलोगे इसको सिंगल सर्कुलेशन एक ही बारी एंट्री हुई ना क्या बोलोगे सिंगल सर्कुलेशन अब फिश के हार्ट में कौन से टाइप का ब्लड एंट्री लिया तुम देख लो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है बॉडी पार्ट्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया था बेटा सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है सिंस इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है इसीलिए इस हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट क्या बोलते हैं वीनस हार्ट

ये देखो ब्लू कलर डिऑक्सीजनेटेड के लिए पिंक कलर ऑक्सीजनेटेड के लिए अब राइट right साइड में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया दोनों ब्लड मिल गए वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हो गया मिक्स्ड ब्लड हो गया मतलब अब ये मिक्स्ड ब्लड बॉडी के सारे हिस्सों को मिलेगा ठीक है जी यस मिक्स ब्लड मिलेगा अब क्या इसमें ब्लड एंट्री कितनी बारी लिया एक बार यहां से एक बार यहां से एंट्री तो दो बारी हुई लेकिन एग्जिट कितनी बारी हुआ एंट्री दो जगह से एग्जिट एक से कर दिया तो डबल कर रहे थे डबल कब होती अगर दो जगह से एंट्री होती दो से एग्जिट होता फिर हम मानते प्रॉपर डबल सर्कुलेशन है लेकिन यहां पर यहां पर बेटा जी एंट्री तो दो जगह से हुई लेकिन एग्जिट एक ही जगह से हुआ दिस इज इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये क्या कह रहा है अरे 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 नॉट नाउ रीस्टार्ट कर दिया तो गड़बड़ ठीक है कह रहे रीस्टार्ट करो यस yes. पता नहीं क्यों कह रहा है यस 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 हाँ स्क्रीन पे देख लिया बेटा स्क्रीन पे देख लिया जस्ट अ सेकेंड मैं इसको आगे बढ़ा दू हाँ जी चलो राइट तो दिस इज इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन अगेन द एक्सेप्शन हेयर इज क्रोकोटाइल जिसके पास फोर चेम्बर हार्ट होता है अब आते हैं हम एव्स और मैमल्स वाले हार्ट पे रेडी हो एव्स और मैमल्स वाले हार्ट के लिए अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो पूरे हार्ट का डायग्राम उसका थ्री तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे तो आर यू रेडी पेन पेपर रेडी है या दिमाग रेडी है पेन पेपर नहीं भी है तो फोकस से सुन भी लोगे तो आपका पूरा हार्ट हो जाएगा तो बेसिकली मैं ह्यूमन हार्ट समझाने वाली हूँ डब्बे वाले पैटर्न की मदद से मैम का डब्बे वाला हार्ट है हाँ, फेमस है फेमस बेटा तीन चार साल से जब से मैंने पर पढ़ाना शुरू किया है और ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाते थे आ, जस्ट टू तो इट हमारा काम सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स करना नहीं है अब सुंदरता जिसकी जितनी है ड्राइंग की वो आप ऐसा बना लेना लेकिन समझ इससे लोग ठीक है रेडी चलो आ जाओ डब्बे वाला हार्ट बनाते हैं यस हाउ मेनी चेंबर्स कितने चेंबर्स बनाऊं यस फोर चेंबर्स बना लिए जब भी हार्ट लंग्स या लेफ्ट राइट साइड से डील कर रहे हो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाया है जो मेरा हाथ है फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ लेफ्ट हैंड है तो ये कौन सी साइड हो जाएगी राइट right साइड हो जाएगी जहां पर लेफ्ट हैंड है वो मेरी राइट right साइड है जहां पर मेरा राइट right हैंड है वो मेरी लेफ्ट साइड है यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले लेफ्ट और राइट डिमार्केशन क्वेश्चन पेपर पे बन जाना चाहिए ठीक है क्वेश्चन पेपर पे बन जाना चाहिए हो गया जी चलिए मतलब ऊपर वाले चेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एट्रिया यानी कि दिस इज राइट एट्रिया नीचे वाले चेंबर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स बाहर से एट्रिया को देखोगे तो ऑरिकल बोलते हैं क्योंकि वो कान के पिन्ना की तरह दिखाई देता है इंटरनल इट इज कॉल्ड एज एट्रिया देन द अपर चेंबर हेयर इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है जी चलिए यह बात हमें क्लियर हो गई हमेशा याद रखना है द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड ऑफ योर हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो क्या रहा है समझो हार्ट का काम क्या है क्या हार्ट ऑक्सीजनेशन करता है बताना इज हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन यस और नो यस क्या हार्ट ऑक्सीजनेशन करता है यस और नो में आंसर चाहिए मुझे लेटमी सिंह आपकी नॉलेज कितनी है आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है यस yes. किसने आंसर दिया यस yes, खड़े हो जाए जिन बच्चों ने यस yes आंसर दिया है वो सब गलत हैं हार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हार्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग दैट ब्लड ऑक्सीजनेशन का काम ऑक्सीजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो कौन कर सकता है लंग्स कर सकता है पिछले चैप्टर में पढ़ा तो है हार्ट का, का काम सिर्फ क्या है पंप करना दैट्स इट पंप मतलब ये मेरे टिश्यू हैं ठीक है ठीके? ये कौन है मेरे टिश्यू हैं टिश्यू ने क्या करा रेस्पिरेशन करा रेस्पिरेशन करके क्या बनाया CO2 बनाया बनाया CO2 बनाया यानी कि इसने अब CO2 ब्लड को भेज दिया

आपस में कौन डील कर रहा है टिश्यू लंग्स टिश्यू उसको कह रहा है सीओ टू ले, ले उसने ले लिया टिश्यू कह रहा है ऑक्सीजन दे दे उसने दे दिया बीच में हार्ट क्या कर रहा है हार्ट बीच का दलाल है ठीक है हार्ट बीच का ब्रोकर है हार्ट बीच का पंप है मोटर वाला पंप है यानी कि अगर मेरे घर में ग्राउंड में पानी है मतलब अंडरग्राउंड पानी है और ऊपर टंकी रखी हुई है मुझे ग्राउंड से टंकी तक पानी लेके जाना है बातचीत किसके बीच में ग्राउंड और टंकी के बीच में हार्ट बीच में क्या कर रहा है

लेकिन बॉडी में बहुत सारा ब्लड होता है पंपिंग की जरूरत होती है डायरेक्ट प्रेशर नहीं बन पाता है इसी वजह से पहले हम इसको भेजते हैं वो आगे को बेटा देंगे, फिर वो आगे आगे लंग्स लंग्स को को भेजेगा भेजेगा बेटा देंगे फिर टिश्यूज दिस दिस इज इज द फंक्शन ऑफ हार्ट क्लियर क्लियर बेसिक हुआ फंडा ये बेसिक फंडा है बेटा सारा चैप्टर तेल लेने चला जाएगा अगर आपने ये बेसिक चीज नहीं समझी हो सकता है आप रट्टा मार के नीट भी क्रैक कर लें लेकिन आप डॉक्टर बनने वाले हैं बीइंग अ डॉक्टर आपको ये सारी चीजों का जड़ पता होना चाहिए फाउंडेशन पता होना चाहिए ठीक है जी चलिए ओके okay, आ जाओ अब टिश्यू ने क्या बनाया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आई विल डिमार्केट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ब्लू कलर ऑक्सीजनेटेड विद पिंक और रेड कलर चलिए मैं ये ले लेती हूं हां जी ये कलर दिखाई दे देगा तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फर्स्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट इट विल एंटर इन टू राइट एट्रिया ऑल पार्ट्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हर जगह से ब्लड लिया और हार्ट को दे दिया मतलब right okay अब ये तो दलाल था ना ये तो ब्रोकर था आगे किसी को तो देना पड़ेगा नाउ दिसनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल एंटर इन टू लंग्स असल में तो किसको भेजना है लंग्स को भेजना है भेज दिया लंग्स ने इसकी ऑक्सीजनेशन करी ऑक्सीजनेशन करने के बाद ब्लड को बना दिया अब ब्लड जाना है टिश्यू के पास बट ऑक्सीजने में हार्ट से होकर जाएगा तो पहले लंग्स बेटा जी इस ब्लड को देंगे किसको लेफ्ट एट्रिया के पास लेफ्ट एट्रिया देगी लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल किसको दे देंगे जाकर टिश्यूज को दिस इज द सर्कुलेशन समझ आ गया अब बताइए हार्ट में ब्लड कितनी बारी एंट्री लिया कितनी बारी एग्जिट लिया हार्ट में ब्लड कितनी बारी एंट्री लिया कितनी बारी एग्जिट लिया यस कौन बताएगा कितनी बारी एंट्री कितनी बारी एग्जिट यस एंट्री एग्जिट दोनों बताइए कितनी बारी एंट्री कितनी बारी एग्जिट दोनों दो बारी यानी कि एंट्री भी दो बारी हुई ये देखो दो बारी एंट्री हुई और दो बारी क्या हुआ एग्जिट हुआ दो बारी क्या हुआ एग्जिट यानी कि क्या ये सिंगल सर्कुलेशन है नहीं क्या ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है नहीं ये किस सर्कुलेशन का पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन ये किस सर्कुलेशन का पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन अच्छा अब बात आती है कि ऐसी कौन सी वेसल है जो कि टिश्यूज में से ब्लड यहां लेकर जा रही है लंग से यहां लेकर जा रही है हार्ट से टिश्यू को दे रही है लेट एस राइट द नेम्स ऑफ वेसल ठीक है टिश्यूज से सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया की तरफ जाता है कौन लेकर आता है वेना कैवा अपर बॉडी से वेना कैवा चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा यस दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कैवा

कॉरोनरी साइनस का क्या काम होगा कॉरोनरी साइनस हार्ट की मसल्स के अराउंड भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा समझो हार्ट भी तो ऑर्गन है जैसे हर ऑर्गन ने रेस्पिरेशन करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया हार्ट भी तो रेस्पिरेशन करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा ठीक है तो हार्ट ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया दैट विल ऑल्सो एंटर इन राइट एट्रिया ठीक है एंट्री मार लिया अब राइट एट्रिया से ब्लड को भेजना है राइट वेंट्रिकल में रस्ते में एक गेट लगा हुआ है इस गेट को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या बोलते हैं इस गेट को यस दिस कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या बोलते हैं एवी वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज ट्राई कस्पेड वॉल्व मैं सब कुछ आपको थ्री डी में दिखाऊंगी बेटा टेंशन नहीं लेना है एवरीथिंग विल विल बाय गिविंग प्रॉपर टाइम इन थ्री आपने देख लिया कल भी देखा था पहले लिख लो याद कर लो ताकि तब तुम्हें नाम याद हो ठीक है ट्राई ट्राई क्यों बोला है क्योंकि इसके पास तीन कस्प होते हैं क्या होते हैं कस्प अभी आपको थोड़ी देर में थ्री में दिखेगा ठीक है देन सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया राइट right वेंट्रिकल में आ गया ये राइट right वेंट्रिकल अब सारे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेंगे लंग्स के पास किसके द्वारा भेजेंगे दिस इज एन आर्टरी ठीक है दिस इज एन आर्टरी दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है डी ठीक है जी यस yes. किसके पास चला गया लंग्स के पास लंग्स विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन मतलब सी ओटू ले ली ओटू दे दी ओटू देने पर ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा जी लेफ्ट एटरिया के पास आएगा किसके द्वारा पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा दो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में आया लेफ्ट एट्रिया ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को दे रही है अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ गेट इस गेट को हम लोग बोलते हैं एवी वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और इसके दो कस्प होते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है बाय कस्पेड वॉल्व इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं मिटरल वॉल भी बोलते हैं ठीक है एवी वॉल एवी वॉल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में सोचो so, पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है यहां से ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास वाया द लार्जेस्ट आर्टरी जो आगे जाके ब्रांच बनाएगी आयोटा समझ आया दिस क्लियर कि कर क्या रहे हैं असल में बातचीत किसके बीच में है बताएंगे बातचीत बेटा जी लंग्स और टिश्यूज के बीच में है कि नहीं लंग्स और टिश्यू के बीच में लंग्स टिश्यू को कुछ देना चाहते हैं क्या देना चाहते हैं बीच बीच में में कौन कौन बैठा बैठा हार्ट 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 है लंग्स ने ने को पहले दिया फिर टिश्यूज को दिया लंग्स ने हार्ट को क्या दिया कैसा ब्लड दिया चेक कर लो लंग्स ने हार्ट को क्या दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया ठीक है तो नोट कर लेते हैं लंग्स ने बेटा जी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया कैसे दिया वाया वेन ठीक है फिर हार्ट ने टिश्यूज को क्या दिया हार्ट ने टिश्यूज को अगेन ब्लड दिया वाया आयोटा ठीक <coughs> वाया आयोटा यही बातचीत चल रही है ना यही बातचीत चल रही है अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दू मी जस्ट चेंज जस्ट मी जस्ट चेंज मैंने बोला लंग्स हार्ट से भी बात कर रहा है टिश्यू से भी कर रहा है यानी कि लंग टू लंग एंड टिश्यू एंड देन हार्ट एंड देन टिश्यू यस फोकस करिए यहां पर फोकस करिए लंग्स ने कुछ हार्ट को दिया कुछ उससे लिया टिश्यूज ने भी कुछ हार्ट को दिया कुछ उससे लिया लंग्स वाला देख लो लंग्स ने हार्ट से ये लिया और ये दे दिया ये बातचीत हो गई ना हार्ट की विद लंग्स दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसमें हार्ट और लंग्स आपस में बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन अब टिश्यू को ध्यान दो टिश्यू ने हार्ट को दिया और हार्ट से लिया है ना टिश्यू ने हार्ट को दिया और हार्ट से लिया ये बातचीत हो गई बिटवीन टिश्यू एंड हार्ट ठीक है तो लंग्स ने हार्ट को क्या दिया तुम बोलोगे लंग्स ने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया कैसा ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया हार्ट ने लंग्स को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जी लंग्स ने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी मदद से दिया पल्मोनरी वेन की मदद से हार्ट ने लंग्स को किसकी मदद से दिया पल्मोनरी आर्टरी की मदद से टिश्यूज ने बेटा जी हार्ट को कैसा ब्लड दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और हार्ट ने टिश्यूज को कैसा ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड ये हमने किसके द्वारा दिया वेना कैवा और ये हमने किसके द्वारा दिया आयोटा क्या ये दोनों चीजें समझ गए क्या बेटा जी ये दोनों चीजें समझ गए यस डिड यू अंडरस्टैंड कि डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन चल रही हैं एक सर्कुलेशन चल रही है हार्ट की विद लंग्स दूसरी सर्कुलेशन चल रही है हार्ट की विद टिश्यू सो so, ऐसी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में चल रही है दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बोलते हैं इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन क्योंकि हार्ट और लंग्स के बीच में लंग्स के लिए वर्ड ही होता है पल्मोनरी ऐसी सर्कुलेशन जो हार्ट और टिश्यूज के बीच में चल रही है दिस कॉल्ड सर्कुलेशन ठीक है सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन ओके बेटा चलिए अब मैं आपको यहां पर डिटेल वाला हार्ट दिखा देती हूँ फोकस कर लो हार्ट दिखाने से पहले थोड़ा सा बेसिक दैट योर हार्ट ओरिजिन इज मीजोडर्मल कहा प्रस्तुत होगा कैविटी में इधर ही प्रेजेंट है ना आपकी हार्ट का साइज कितना है बंद के बराबर यानी कि इस हार्ट की लोकेशन एक्चुअली में दो लंग्स के बीच में है ये देखो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था बीच की जगह को मिडियास्टेनम बोलते हैं यहां मिडियास्टेनम में इस तरीके से बैठा है ठीक है यहां पर लेफ्ट लंग में ये कौन सी साइड है लेफ्ट लंग लेफ्ट लंग में बेटा जी एक नॉच बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच इस नॉच के नोच के बीच में योर हार्ट इज सिचुएटेड ठीक है अब अगर मैं हार्ट को ऐसे ड्रॉ करूं दिख रहा है इस तरीके से होता है वैसे तो असल में जो हार्ट टीवी में किताबों में बुक्स में बनता है इस तरीके का होता नहीं है होता नहीं है जस्ट हम बनाते हैं एनी वे द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज क्वाइट ब्रॉड एंड द लोअर पार्ट इज वेरी कोन जैसा स्ट्रक्चर है जैसे सॉफ्टी का कोन नहीं होता ऐसा

और ये ऑर्गन भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करेगा समझ रहे हो हार्ट इज एन ऑर्गन ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कार्डियक मसल्स इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए और सीओ लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी रेस्पिरेशन करेंगे तो हार्ट को जो आर्टरीज या जो सिस्टम ब्लड देता है और लेता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन क्या बोलते हो कोरोनरी याद रखना है कोरोनरी वर्ड आ जाए मतलब हम हार्ट के के बारे में ही बात कर रहे हैं हार्ट को आर्टरी देने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड 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 देने वाली artery, blood, वाली आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड लेने ब्लडरी वेन गॉट इट ठीक है वेन तो अगर कभी आ जाए कॉरेनरी सर्कुलेशन क्या है तुम बोलोगे कॉरेनरी सर्कुलेशन हार्ट को ही सर्कुलेशन दे रही है किसी और टिश्यू को नहीं हार्ट नामक टिश्यू को ही दे रही है ठीक चलिए सो so, ये बात हो गई आपके हार्ट की नेक्स्ट हम चलते हैं हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो इट है वॉल जैसे हमने लंग्स में किया था लंग्स के अराउंड वॉल कौन सी थी बताना लंग्स <coughs> के अराउंड वॉल कौन सी थी यस yes, बताओ 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 फटाफट से हाँ जी स्टडी गर्ल कैरियर माई लाइफ मोमेंट डैड गुड गुड टू हिस्टर दैट स्टडी गर्ल एवरी वन लाइफ शुड बी मोमेंट डैड आपको लग रहा है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो बट ऐसा नहीं है अगर आपका ड्रीम पूरा होगा तो आपके पेरेंट्स का भी ड्रीम साथ में पूरा होगा और उनके ड्रीम्स आपसे कई ज्यादा बड़े हैं आपके लिए वो अपने लिए ख्वाब नहीं देखते हैं अब वो बेटा जी ख्वाब आपके लिए देखते हैं अब तो जब आप डॉक्टर बनेंगे आपसे ज्यादा खुशी उनको मिलेगी नो डाउट सारा पैसा औदा रुतबा रिस्पेक्ट आपको मिलेगी डॉक्टर साहब आप बनेंगे डॉक्टर साहिबा आप बनेंगी लेकिन बेटा उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना ये सुनकर कि डॉक्टर साहब के फादर हैं डॉक्टर साहब की मदर है दैट इज द ओनली सैटिस्फेक्शन दैट दे एक्चुअली लिव फॉर दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट तो कभी लगे ना कि मैम मुझसे नहीं हो पा रहा मैं थक गया हूं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी उस समय सोच लेना अगर आपके फादर ये सोच लेते मे बी वो बिजनेस करते हैं जॉब करते हैं या खुद डॉक्टर हैं या कोई भी काम करते हैं या मदर कोई काम करती है इफ शी इज अ टीचर इफ शी इज शी इज इन्वॉल्व इन कॉपोरेट जॉब और शी इज अ डॉक्टर वो भी बेटा दिन रात लगे हुए हैं उनकी पर्सनल ड्रीम्स थोड़ा है अब Once you you have 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 kids, you do not have much personal dreams. The only dream that they have is to फुलफिल your dream, है ना उनके माइंड में जब कुछ बोनस आता है सैलरी आती है आपकी इच्छाएं होती हैं कि इस बच्चे ने मेरे से ये डिमांड किया था इसको ये लेकर देना है या इसको नया फोन लेकर देना है इसको नया लैपटॉप लेकर देना है बेटर क्लासेस के लिए वट एवर इट इज दैट मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट देम तो कभी हारने का मन करें उनका चेहरा देख लेना कि अगर वो दिन में 16-16 घंटे काम करके 12-12 घंटे लगातार काम करके नहीं हार मानते अगले दिन फिर उसी यू you नो know, हसल के लिए निकल जाते हैं आप कैसे हार मान सकते हो कि मुझसे नहीं होगा है ना एक बात मैंने पता नहीं आपने सुनी है या नहीं सुनी है मैंने एक बात सबको बोली थी <laughs> बेटा हम जिस घर में पैदा होते हैं उसमें हमारी कोई कंट्रोल नहीं होता वो डेस्टिनी है कि मैं एक अच्छे घर में अमीर घर में हूँ वेल ऑफ घर में पैदा हुई या फिर मैं एक लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड फाइनेंशियली पैदा हुई ये मेरी डेस्टिनी है इसको मैं नहीं बदल सकता तो अगर मैं गरीब हूं मैं गरीब घर में पैदा हुई हूं हु, तो इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है किसी की गलती होती है यार वो गरीब घर में पैदा होता है नहीं किसी की गलती नहीं होती है अगर आप गरीब घर में पैदा हो रहे हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन अगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा भी उसी गरीबी में बीते जिम्मेदार आप ही होंगे है ना इट इज अवर डेस्टिनी कि हम कहा जन्म लेते हैं लेकिन भगवान ने भी हमें पूरी लाइफ दी है है ना जितने साल हम जिएंगे, तीस साल चालीस साल सत्तर साल उस कुछ सालों में कुछ तो मेहनत हमने करी होगी अगर हमने वो मेहनत भी नहीं करी योर पेरेंट्स आर स्टिल एट द सेम पोजिशन फाइनेंशियली देन यू विल भी रिस्पॉन्सिबल और ये बहुत सच बात है कड़वी लगती है बट बहुत सच बात है यानी कि आपके पास मौका है अपने पूरे परिवार की डेस्टिनी को चेंज करने का बहुत सारे लोग तो ऐसी जगह से भी हैं जहां गांव में कोई डॉक्टर नहीं बना शहर से डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है या ऑनलाइन कंसल्ट करना पड़ता है वेट करनी पड़ती है अब देर आर नो ट्रेन डॉक्टर जिन्होंने एमडीएमएस कराओ तो आप शायद अपने परिवार के अपने गाँव के अपने कस्बे के पहले डॉक्टर बनने वाले हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है <laughs> इसीलिए मेहनत करना नहीं छोड़ना ओके okay, चलो तो हार्ट बेटा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स की तरह इसको भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट किया था प्लूरल मेम्ब्रेन से हार्ट की वॉल को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जैसे वहां पर दो मेम्ब्रेन थी विसरल प्लूरा पेराइटल प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा है ना अंदर वाली विसरल बाहर वाली पेराइटल दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से प्लूरल फ्लूड लगाया था सेम यहां पर है यहां पर भी मेरे पास क्या है विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम दोनों के बीच में बेटा जी क्या प्रेजेंट है दोनों के बीच में प्रेजेंट है पेरिकार्डियल ये fluid भी क्या करता है फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा और शॉक का काम करेगा ये तो बात हो गई पेरिकार्डियम बाहर वाली लेयर बीच वाली लेयर भी प्रेजेंट होती है बेटा मसल्स होती हैं एनिमल टिश्यू में हम पढ़ते हैं हार्ट के पास भी मसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल तो इस लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम ठीक है जी सबसे अंदर वाली लेयर को बोलता है एंडोकार्डियम देखिए आपको नहीं पता लेकिन हार्ट भी एक ब्लड वेसल ही है हार्ट इज अ अड ब्लड वेसल ठीक है तो इसके पास भी वही की की लेयर होगी बिल्कुल की तरह तो हार्ट के अराउंड यस मेरे बच्चों ये मान लो तुम्हारा दिल है फटाफट से बताना ये तुम्हारा दिल है इस दिल में तीन लेयर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है एंडोकार्डियम दिस इज एंडोकार्डियम देख लिया ना ये ब्लड वेसल वाले ही सेल्स है यस yes. इसके बाहर जो लेयर आती है वो है मस्कुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम जिसमें आपकी कार्डियक मसल्स आ जाएंगी एंड सबसे बाहर वाली लेयर आ जाएगी पेरिकार्डियम ये पेरिकार्डियम दो हिस्सों में डिवाइडेड है विसरल एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय द कैविटी विच इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूड ये बात समझ आई यस yes. ये बात समझ आई चलिए तो हार्ट वॉल हमारी हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कर लिए फिश का हार्ट एम्फीबियन का हार्ट कर लिया हार्ट एक बार यहां से देख लो उसके बाद थ्री डी यही है लोअर चेंबर ठीक है जी बड़ा कौन सा दिख रहा है लोअर चेंबर डब्बे वाले हार्ट को माइंड में रखना है ये डब्बे वाला हार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है हां जी जरा ध्यान दो ये मेरे लोअर चेंबर हैं, जिनको मैं बोलती हूं वेंट्रिकल ये है मेरा जी राइट right वेंट्रिकल ये है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल अब ऊपर आ जाओ दिस इज माय राइट एट्रिया माय लेफ्ट एट्रिया अगर तुम ध्यान दोगे तो लेफ्ट वाली साइड मैंने सारा रेड कलर बनाया राइट right वाली साइड मैंने सारा ब्लू कलर बनाया क्योंकि राइट साइड डील्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड डील्स ऑक्सीजनेटेड अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि एनरोल कैसे करना है बहुत बढ़िया पता ही नहीं चल रहा है बेटा क्लिक क्लिक करिए लिंक पर। क्लिक करके मी पे ऑप्शन आएगा नोटिफाई मी को ही एनरोल बोलते हैं नोटिफाई मी करिए आज दो बच्चों आज फाइनल गिव अवे है आज तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं दिस इज द फाइनल सुपर डुपर फाइनल गिव अवे ठीक है यस हां जी कहां लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दिया ठीक तो लिखा है ओहो गलत लिख दिया कोई बात नहीं भावनाओं को समझो यार भावनाओं को समझिए चलिए अब <coughs> राइट एट्रिया में कौन कौन सी वेसल खुलती है ये मैं आपको बता चुकी हूं यहां लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा, साइनस एंड केवानेरियर वेना केवा अब यहां पर एक बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिखी है ये एनसीआरटी में तो नहीं है बट फिर भी पुराने पेपर्स में आपको मॉक टेस्ट में टेस्ट सीरीज में ये सवाल मिल जाता है सुपीरियर वेना केवा बेटा जी यहां पर आकर खुलती है ठीक है इंफीरियर वेना केवा यहां से खुलती है और कॉरोनरी साइनस यहाँ खुलती है इन दोनों को बोला जाता है ग्रेट वेन्स बड़ी है ना सुपीरियर वेना केवा जब खुलती है तो इसकी ओपनिंग बड़ी ओब्लिक है देखो हम चाहते हैं कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जाए तो वापस ना जाए वापस जाने को प्रिवेंट करने के लिए वेना केवा में मैंने वॉल्व लगा दिया है और कोरोनरी साइनस में भी वॉल्व लगा दिया है वेना केवा में बेटा जी जो वॉल्व लगाया है दैट इज कॉल्ड एज यूस्टेचियन वॉल्व क्या बोलते हैं इसको यूस्टेचियन साइनस में बेटा जी जो वॉल्व लगाया है, के बेटा, की नहीं है यहां पर ओपनिंग क्या है ठीक है, तो कभी वापस ही नहीं है. जी तो हम चाहते हैं कि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड कहीं गलती से वापस ना चला जाए तो दो जगह तो वॉल्व लगा दिए एक जगह हमने ओपनिंग ऑब्लिक कर दी ठीक अब सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर करती हूँ एंट्री मारेगा किसमें एंट्री मारेगा किसमें इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल ठीक है राइट वेंट्रिकल में एंट्री मारने के लिए यहां लगा हुआ है यह का क्या नाम रखा था? जी? आ गया यहां पर जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां भर जाएगा एंड वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है तो बेटा ब्लड वापस चला जाएगा अब क्या करें

ये रस्सियां लगी हुई है इस पिंक कलर की मसल्स पे इन मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स क्या नाम है पैपिलरी मसल्स ठीक है जी याद रहेगा तो वेंट्रिकल की वॉल पर मौजूद है पैपिलरी मसल पैपिलरी मसल के साथ जुड़ी होती है रस्सियां रस्सी किसके साथ क्या बोलते हैं कॉडिटेंडने और ये रस्सी अटैच होगी एवी वॉल्व के साथ अब आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि इस जगह पर कितनी मसल लगाए कितनी पैपुलरी मसल लगाए देखो सॉरी कितने यस uh, yes, कितने पैपुलरी मसल या कितने है? कितने ने ने लगाए लगाए देखो जितने ऊपर कस्प दिखाई दे रहे हैं उतने कॉर्डे टेंडे लगाने पड़ेंगे दिस वॉल्व इज ट्राई कस्पिट बॉल ट्राई कस्पिट मतलब तीन कस्प है तीन कस्प मतलब हर एक से एक एक रस्सी निकलेगी मतलब थ्री पैपुलरी मसल थ्री कॉडे टेंडे अब इधर आ जाओ हां जी यहां से ब्लड गया यहां से ब्लड गया मेरे लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी चलो ऑक्सीजनेशन हो रही है लंग्स ने कर दी है चलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा इन टू द लेफ्ट एट्रिया इनकी ओपनिंग भी क्या है ओब्लिक तो घबराने की बात नहीं है बैक फ्लो नहीं होगा देन यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजना है मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व लगा हुआ है द वॉल्व इज कॉल्ड एज बाइक वॉल्व अब फिर से रस्सी लगानी पड़ेगी है ना नीचे मसल है पैपुलरी मसल कितनी रस्सी लगाए दो टू पैपुल मसल्स एंड टू टेंडन सो डिपेंडिंग कि कितने कस्प हैं ट्राई है है तो तीन तो दो अब तुम्हें तो पता होना चाहिए राइट साइड साइड तीन लेफ्ट दो ठीक है अब बेटा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इसमें बैठा है यहां से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आयोटा के द्वारा टू द होल बॉडी तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है कोई पूछे लार्जेस्ट आर्टरी तो तुम बोलोगे लार्जेस्ट आर्टरी इज आयोटा

आउट ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल किसकी वॉल मोटी होगी आउट ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल बनाना है अब किसकी वॉल मोटी होगी काम देख लो ना काम के हिसाब से देखो एट्रिया जो है ना वो रिसीविंग चेंबर्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं राइट right ने नीचे से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया लेफ्ट वाले ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीविंग है वेंट्रिकल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स है ये इधर लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है

रिसीविंग चेंबर्स ठीक है जी ये क्या है मेरे डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स है अब ध्यान दो जब ये मेरा राइट वेंट्रिकल ब्लड दे रहा था पल्मोनरी आर्टरी को इसके द्वारा लंग्स में जाना था ठीक है अब बेटा जी हाई चांसेस है कि ये ब्लड वापस आ सकता है आ सकता है सेम जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड दे रहा है को हाई चांसेस है कि वापस आ सकता है अब इस वापस आने को रोकने के लिए मैंने इसकी जस्ट एंट्री पॉइंट पे क्या लगा दिए वॉल्व लगा दिए वॉल्व आर कॉल्ड एज सेमिलर वॉल्व ये देखिए लिखा हुआ है इन दोनों को क्या बोलेंगे सेमी वॉल्व ये लेफ्ट साइड वाले सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व का नाम हो जाएगा आयोटिक वॉल्व राइट साइड वाले का नाम हो जाएगा एक तरीके से पल्मोनरी वॉल्व आयोटिक मतलब क्योंकि आयोटा में खुल रहा है सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व का काम क्या है वॉल्व का काम होता है टू मेक श्योर दैट फ्लूड फ्लोज इन वन डायरेक्शन कि ब्लड ऊपर ही जाए नीचे ना जाए जैसे ही ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा वॉल्व बंद ठीक है अब इस सेमिलर वॉल्व के पास भी तो कस्प होंगे कितने कस्प होते हैं थ्री कस्प्स होते हैं कितने होते हैं थ्री ट्राई कस्पिट की तरह तीन, तीन 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 कस्प होते हैं ओके चलिए तो ये बात हो गई हार्ट की आर यू रेडी फॉर द थ्री पार्ट थ्री में देख लें यस yes. सारा कुछ मैंने बता दिया अब सारा कुछ मैंने बता दिया लेट अस सी द होल पोर्शन हाँ जी अब तुम बताओगे जो जो मैं हाईलाइट करूंगी यस yes. जिसका दिल जिसके पास ही नहीं है उसको क्या समझ आएगा है ना उसको क्या समझ आएगा बताओ यहाँ पे एक बच्चा है जिसका दिल जिसके पास नहीं है अपना दिल किसी को दे बैठोगे तो कैसे चलेगा यस कौन है ये हाँ जी राइट बात सही है कि नहीं है ध्यान कहीं और है ध्यान कहीं और होने का क्या मतलब है दिल कहीं और है दिल किसी को दे बैठे हैं अगर किसी को दे बैठोगे तो कहाँ तुम्हें समझ आएगा कि राइट साइड क्या लेफ्ट साइड क्या मैम दिल तो किसी को दे बैठे हैं तो आप दिल बना ही दो जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तो नहीं होगा बेटा जी छः महीने बचे हैं छः नहीं पांच महीने बचे हैं अप्रैल काउंट नहीं होता पाँच महीने बचें पांच महीने में अगर ये नखरागिरी हुई कि ऐसे करो तो ऐसे करो ऐसे करो तो ऐसे करो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए बेटा अब आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप डिमांड करेंगे आप आकर डिमांड करने की सिचुएशन में नहीं है कि मैम ऐसे करा दो ये छोड़ दो ये पढ़ा दो ऐसे नहीं चलेगा अब आपने अपनी बागडोर टीचर को दे देनी है टीचर पे डाल दो वो सिलेबस आपका कंप्लीट करा देगा अगर तुम चाहोगे कि हर चीज हम यहां पर बिल्कुल पिन पॉइंट इलेवंथ क्लास की तरह डैश टू डैश तक आप ही लिखो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ ऑलरेडी ऑलरेडी लिख रही हूँ तो मिस्टर यश सिलेबस नहीं हो पाएगा है ना तो आप थोड़ी मेहनत खुद करने से क्यों कतराते हो थोड़ा सा तुम्हें लिखने को दे दिया कतरा गए हाँ एक लाइन में लिख के ले आई एक लाइन तुम्हें लिखनी पड़ गई कतरा गए क्यों वाई आर यू रनिंग फ्रॉम हार्डवर्क हार्डवर्क से भागने वाला बेटा बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा यह चीज याद रखिएगा आपके पास पांच महीने या तो पांच महीने मुझे दे दो आई विल मेक श्योर कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस सब कुछ समझ आने के साथ साथ सारे क्वेश्चन बनेंगे या फिर बेटा जी बैठे रहिए दिस गिव गेव अवेज फॉर दिस चैप्टर ओनली आज इसी चैप्टर का टेस्ट है दो बुक्स आज गिव अवे हो रही है चलिए शुरू करते हैं हार्ट अब मैं थोड़े से इन लेयर्स को रिमूव कर दूं यस ये सर्कुलेशन रिमूव कर रहे हो दिख रहा है हाँ जी अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा है कैन यू सी यस बताते जाना क्या क्या है एक ही चीज हो सकती है यार या तो मैं बिल्कुल लिखते जाऊं लिखती जाऊं लिखती जाऊं या फिर थोड़ा इनोवेशन के साथ तुम मेरे साथ एडजस्ट करोगे कि मैम थोड़ा सा चलिए लिखिए मत आप हमें इनोवेटिव तरीके से करा दीजिए क्योंकि दोनों चीजें करने बैठेंगे एक चैप्टर को लग जाएंगे पांच दिन अब तुम बताओ क्या करना है तुम बताओ क्या करना है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इनोवेटिव वे में करना है और हमारा एनसीआरटी भी जहां पर कॉम्प्रोमाइज ना हो उस तरीके से करना है तो यही तरीका है थोड़ा सा मेहनत खुद करना पड़ेगा सारा मेहनत तुम बिल्कुल स्पून फीडिंग पे नहीं जा सकते हो यस यस मेरे बच्चों मेहनत करने के लिए रेडी हो चार लाइनें खुद भी लिख सकते हो जो मैं लिख के लाई हूं या नहीं लिख सकते हाथ नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे तो फिर क्लास भी क्लास में बैठने का मतलब ही नहीं है मेरी क्लास से तो आउट हो जाओ क्योंकि मुझे तो मेहनती बच्चे चाहिए मेहनत से भागने वाला बच्चा कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो सकता ढाई लाख दे दो, दो लाख दे दो, दो हजार दे दो या बीस हजार दे दो कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता इफ यू विल रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क ठीक है जी चलिए आ जाइए तो शुरू करते हैं बेटा जी हार्ट का स्ट्रक्चर यस <laughs> ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज राइट वेंट्रिकल ये कौन सा वेंट्रिकल है राइट वाला डब्बे वाला हार्ट खोल लो तो तुम्हें कंपेयर रहेगा अपनी कॉपी में डब्बे वाला हार्ट खोलिए दिस इज राइट वेंट्रिकल ये भी राइट वेंट्रिकल है यस yes, मैंने मोड़ा हार्ट को ये क्या दिखाई दे रहा है राइट right एट्रिया तो राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया ओके चलिए यस और घुमाऊ घुमा दिया बैक साइड पे चले गए बैक साइड पे चले गए देख रहे यस दिस वन इज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डब्बे वाला हार्ट खोल लो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा वेंट्रिकल है जिसकी वॉल काफी थिक है देन दिस वन इज द वॉल ऑफ लेफ्ट एटरिया अब अगर तुम पहले आ जाते राइट वाली साइड पे yes. ये क्या लग रहा है कौन है ध्यान दो नाम बताते जाना मैं बता रही हूं यह आपका राइट ऑरिकल राइट एट्रिया है राइट एटरिया में कौन सी ग्रेट वेन्स खुलती है एक ऊपर की साइड पे एक नीचे की साइड पे ये जो ऊपर की साइड पे खुल रही है वो कौन होगी सुपीरियर वेना कहवा ये जो नीचे की साइड से आकर खुल रही है ये कौन होगी आपकी इनफीरियर ठीक है दोनों आकर किस में खुलेंगी राइट right एट्रिया में आकर खुल जाएंगी ठीक चलिए ये क्या हो गया आपका राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में से कौन निकलता है पल्मोनरी आर्टरी ये देखो पल्मोनरी ट्रंक बोल रहे हैं ये पल्मोनरी ट्रंक कौन सा ब्लड कैरी कर रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो ये था मेरा राइट right वेंट्रिकल राइट right वेंट्रिकल में से निकली पल्मोनरी ट्रंक अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरी दोनों जगह भेजनी है ना एक लेफ्ट साइड पे भेजना है एक राइट साइड में दो लंग्स मेरे पास ठीक है तो ये ब्लू कलर का आगे क्यों दिखाई दे है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ओके okay? तो ये मेरी बात हो गई राइट right साइड की राइट right साइड वाली बात क्लियर राइट साइड वाली बात क्लियर अब इसको घुमा देते हैं अब इसको घुमा देते हैं रुकिए लेट मी जस्ट यस अब दिख रहा होगा यस एवरी वन कैन सी मैंने उसको डायसेक्ट कर दिया अब इस पर फोकस करिए ये मेरा लेफ्ट एट्रिया है और ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है डब्बे वाले हार्ट में देख लो लेफ्ट एट्रिया क्या काम करता है लेफ्ट एट्रिया का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना ये लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से रिसीव करेगा जरा यहां देखिए दो ओपनिंग दिखाई दे रही है पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है इधर भी देखो दो ओपनिंग्स दिखाई दे रही है ये रही ये भी पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है एंड अल्टीमेटली ये खुल जाएगा आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेफ्ट एट्रिया अल्टीमेटली ब्लड किसको देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को ये आपका सारा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज योर लेफ्टल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अल्टीमेटली गिव्स आउट आयोटा ये ऊपर जो दिख रहा है दिस इज आयोटा एंड आयोटा में से आगे ब्रांचेस निकल जाएंगे आयोटिक आर्च है आर्ट्री इधर उधर मल्टीपल आर्ट्रीज निकल जाएंगी तो ये तो बात हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की किसकी बात हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अब जरा इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए डेट मीन जस्ट डाइसेक्ट दैट दिस इज राइट वेंट्रिकल मैंने डायसेक्ट कर दिया इसको भी डायसेक्ट कर दू यस yes. मैंने थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को डाइसेक्ट किया है ठीक है वेंट्रिकल्स को डाइसेक्ट किया है एक मिनट रुकिए आप देख पा रहे हैं एवी वॉल्व दिखाने के लिए एवी वॉल्व दिखाने के लिए ये दो एवी वॉल्व दिख रहे हैं आपको किस तरीके से खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं किस तरीके से खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं मैंने काफी चीजें कर दी, just to make sure कि आपको आपको दिखे। पर कितने दिखाई दे रहे हैं? ये राइट वाला है राइट वाले में ध्यान दो तीन कस्प वन टू थ्री ओके वन टू एक मिनट थ्री वाला ना खुलने पे क्लिक नहीं हो रहा रुकिए उधर से होगा इसको रोक देती हूँ वन टू ये पीछे की साइड पर बेटा थ्री है पीछे की साइड पर थ्री है यस थ्री कस्प होते हैं आपकी राइट साइड पे दो कस्प होते हैं आपके लेफ्ट साइड पे यहां से निकलती हैं आपकी कॉडे टेंडने ये आपकी राइट साइड की कॉडे टेंडने हो गई और ये आपकी लेफ्ट साइड की कॉडे टेंडने हो गई है ना राइट साइड की कॉर्डेट टेंडने एंड लेफ्ट साइड की कॉडे टेंडने वापस ले आते हैं इनको हम्म <laughs> दिख रहा है सबको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं ओके सो ये बात हो गई आपके हार्ट की हाँ जी अंदर से देखा और दिखाती हूँ थोड़ा छोटा कर लू हाँ जी दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड दिस इज हाउ इट बीट्स है ना कैसे बारी बारी एवी वॉल्व खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है बंद हो रहा है है ना ये आपकी मसल्स हैं। आर योर पैपिलरी मसल्स, जिसके साथ आपका कॉडे अटैच्ड अटैच है ये ऊपर एवी वॉल्व ये पैपिलरी मसल और ये रस्सियां जो है रस्सी पे क्लिक करती हूँ रोकना ये रही रस्सी यस दिस इज द कॉडे कह रहे हैं ये क्या है बहुत बढ़िया जेम्स डी मारिया नहीं ये क्या है बेटा ये मुझे लग रहा है कंप्यूटर है है ना ये क्या है कंप्यूटर है कभी देखा है आपने कंप्यूटर यस yes. कभी देखा है आपने अंदर से इतना डेप्थ दे, में तो कभी नहीं देखा होगा दिस इज द वॉल ऑफ वेंट्रिकल जस्ट हैव अ लुक इसको रोकती हूं मैं यस yes. ये देखिए ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल है कितनी मोटी वॉल है कितनी मोटी वॉल है एट्री और वेंट्रिकल की वॉल दिस इज हाउ द वॉल्व लुक्स लाइक्स एंड दिस इज हाउ योर हार्ट लुक्स लाइक यस क्लियर हो चुके देख लिया ऐसे में कभी हार्ट देखा था आज से पहले खोल के ऑन डैट टू बीटिंग बीट करने पर चालू कर देते इसको हाँ यस <laughs> yes. आज से पहले देखा था नहीं देखा होगा बीच में से खोल के भी दिखा दिया सो दिस इज हाउ ह्यूमन हार्ट इज़ एंड दिस इज हाउ इट बीट्स आई होप थ्री थिंग्स आर क्लियर वन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट सेकंड ऑफ ब्लड टू थ्रू हार्ट थर्ड वन डबल सर्कुलेशन ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये हार्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है ऐसा कौन सा यहां पर टिश्यू प्रेजेंट है जो एक्चुअली बेटा जी इस हार्ट को बीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है माई हार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माई मसल्स ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चालू बंद ब्रेन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड की स्पीड मुझे तेज रखनी है स्लो रखनी है एक्चुअली में हार्ट का जो ऑन है और ऑफ का बटन है वो मेरे हार्ट की muscles के पास ही है इनिसिएशन ऑफ द कार्डियक्टिविटी उसके बारे में बात करते हैं यानी कि माओजेनिक टिश्यू कंडक्टिंग सिस्टम वील ऑल्सो टॉक अबाउट ईसीजी वील ऑल्सो टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर वील ऑल्सो टॉक अबाउट डिसऑर्डर रिलेटेड टू दिस सिस्टम ठीक है यस yes. ये तो आप ये एनिमेशन कहाँ से लाते हो बेटा मेहनत लगती है इसमें बहुत मेहनत करके ढूंढा है आसान <laughs> नहीं है ठीक है एनीवे anyway, वे समझ आना चाहिए बेटा आपको अगर समझ आ रहा है तो आप बोलिए क्या लेके आना है सब कुछ लेके आएंगे इनफैक्ट इनफैक्ट बेटा जी इसी तरीके से हम एक्सक्रिटरी सिस्टम भी देखने वाले हैं अगर मैं आपको दिखाऊं दिखाऊं एक्सक्रिटरी सिस्टम की झाकी जो हम कल चैप्टर करने वाले कल एक्सक्रिटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है कल एक्सक्रिटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है सो लेट मी जस्ट शो यू यस yes. कल क्या देखने वाले है? आज तो बस हार्ट तो देख लिया हमने कल हम देखते कौन पहचानता है जो मैं अभी दिखाऊंगी यस yes. कौन पहचानता है ये क्या बना हुआ है ये क्या बना हुआ है कौन पहचानता है इसको ये कल करना है हमने दिस इज पार्ट ऑफ यस ये किसका पार्ट है क्या बना हुआ है क्या लगता है कौन है ये पार्ट तो रिकॉग्नाइज कर लो कम से कम यस yes, कल हम करने वाले हैं किडनी किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन नेफ्रॉन के अंदर होता है कैप्सूल दिस इज बोमैंस कैप्सूल ये सारा आपका कैप्सूल है ये बेटा जी आपके पोडोसाइट्स हैं ये जो मैंने ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सब पोडोसाइट्स हैं एंड ये आपकी आगेरियो इफरेंट आर्टीरियोल इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन कब करेंगे कल करेंगे तो इस तरीके से हम सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी डन करते जाएंगे आ जाओ यस लेट अस मूव ऑन आगे हाँ जी आगे मूव ऑन करते हैं बेटा जी ये बात कर ली डबल सर्कुलेशन सिखा दिया अब आ जाइए हार्ट बीट कैसे कर रहा है टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल आपको पता है हार्ट इज कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको बोलते हैं सिस्टोल जो रिलैक्सेशन होती है इसको बोलते हैं डायस्टोल अब एक मिनट में हार्ट कितनी बारी बीट करता है एक मिनट में हार्ट बेटा जी नॉर्मली देखे जाए तो 72 टाइम्स बीट करता है ऑब्वियसली 70, 74, 75 ये भी नॉर्मल है बट एवरेज अमाउंट देखा जाए तो बहत्तर बारी हार्ट बीट करता है यानी कि 72 टू कार्डिय साइकिल चलते हैं एक बीट का मतलब होता है वन साइकिल एक बीट का क्या मतलब होता है वन साइकिल तो अगर एक मिनट में 72 बीट्स है तो 72 कार्डियक साइकिल मतलब 60 सेकंड्स में चल रहे हैं एक कार्डियक साइकिल कितने समय में चलेगा डिवाइड करके देखोगे तो इट विल कम आउट टू तो बी पॉइंट एट सेकेंड ठीक है जी तो पॉइंट एट सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल फिर दूसरा कार्डियक साइकिल फिर तीसरा इस तरीके से 72 टू कार्डियक साइकिल होंगे एक मिनट के अंदर और वो टोटल टाइम बन जाएगा आपका 60 सेकेंड्स ठीक है जी अब अगर मैं कार्डिक साइकिल को यहां पर ध्यान दूं तो देयर आर टोटल थ्री यू कैन से थ्री इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल पहला इवेंट कहलाता है एट्रियल सिर्फ समझो लिख जाके लेना है एट्रियल सिस्टोल का क्या मतलब होता है मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल सिस्टोल का क्या मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब है सब मिलके रिलैक्स करेंगे सब मिलके क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे आ जाओ जरा इसको समझ, समझते हैं कितने मिनट का बनाऊं पॉइंट एट सेकेंड का मिनट तो है ही नहीं ठीक है दूसरी चीज अरे यस पॉइंट एट सेकेंड्स को तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया किस किस हिस्से में डिवाइड किया ये हिस्सा हो गया पॉइंट वन सेकेंड्स हिस्सा हो गया पॉइंट थ्री ये हिस्सा हो गया पॉइंट फोर फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे को 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 बोलेंगे ventricular systole, part को बोलेंगे तीसरे part को बोलेंगे चौथे तीसरे अब साथ में राइट right और लेफ्ट लिख कर रखें क्योंकि राइट right और लेफ्ट के बिना सारा क्वेश्चन गलत ये कौन सी साइड है बेटा जी मेरी हां जी बता दो फटाफट से ये वाली कौन सी साइड है लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल समझ गए चलो अब मेरे साथ साथ बनाते जाना ऑलरेडी मैंने यहां लिखा हुआ है मैं यहां समझाऊंगी एट्रियल स्टोल में क्या हो रहा है बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली अगर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा आंसर देते जाओ बस आंसर देते जाओ ब्लड कहां जाएगा अगर दोनों एट्रिया सिस्टोल करेंगे तो सारा का सारा ब्लड किस में चला जाएगा वेंट्रिकल्स में चला जाएगा मतलब इस समय पर एवी एवी वॉल्व वॉल्व खोल के रखने पड़ेंगे बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एवी क्या करूं बताते जाओ एवी वॉल्व क्या करूं खोलूं के बंद करूं एवी वॉल्व को ओपन करके रखना पड़ेगा ओपन करेंगे तभी तो नीचे ब्लड जाएगा है ना एवी वॉल्व क्या कर देंगे हम ओपन कर देंगे ताकि सारा ब्लड इधर चला जाए साथ ही में जब एट्रिया बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सुपीरियर वेना केवा पलरीरियर वेन, वेना केवा इनकी रूट्स को खोल के रखें कि बंद करें इनको खोलें कि बंद करें दिमाग लगेगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन को खोलने के बंद करें अगर इसको खोल दिया बच्चों तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड तो वापस भाग जाएगा समझ रहे हो राइट वाला ब्लड सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर में भाग गया लेफ्ट वाला पल्मोनरी वेन में भाग गया इनको बंद करके रखोगे बंद करोगे तभी तो चांसेस बनेगी कि ब्लड नीचे जाएगा हमें नीचे भेजना है ऊपर नहीं भेजना बंद करोगे यानी कि रूट्स ऑफ ग्रेट वेन रूट्स ऑफ ग्रेट वेन क्या करोगे क्लोज यही है ग्रेट वेन्स पल्मोनरी वेन सुपीरियर वेना कहवा इन्फीरियर वेना कहवा इनको बंद करोगे ओके okay? चलिए तो ये बात हो गई मेरे एट्रियल सिस्टोल की अब आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल फोकस करो इस वाले डायग्राम पे सब सब कुछ डब्बे वाले हार्ट से वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो यहां से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में यहां से ब्लड जाएगा आयोटा में सीधी सी बात है ठीक है यहां से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में यहां से ब्लड जाएगा आयोटा में अगर बेटा जी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और एवी वॉल्व खुले रह गए जाना चाहिए था आर्टरी में ब्लड लेकिन चला जाएगा एट्रिया में तुम समझ रहे हो इसके कॉन्ट्रैक्ट की जस्ट स्टार्टिंग पे ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा ये वाले दरवाजे बंद करने पड़ेंगे ना नहीं तो ब्लड ऊपर जा सकता है हमें ब्लड ऊपर नहीं भेजना हमें ब्लड आर्टरी और आयोटा में भेजना है तो सबसे पहले तो दरवाजा बंद कराओ वॉल्व बंद कराओ इस वॉल्व के बंद होने की आती है आवाज इस आवाज को हम लोग बोलते हैं डप इस आवाज को बेटा जी क्या बोलते हैं डप तो वेन से सिस्टोल स्टार्ट उसकी जस्ट स्टार्टिंग पे फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाती है फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब ओहो लब डप करना था डप लब कर दिया रुको 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 लव करें डब करें यस लव हां जी तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव ये वॉल्व के क्लोज होने से आई कि खुलने से आई आवाज हमेशा वॉल्व के बंद होने पर आती है खुलने की कोई आवाज नहीं खुलने की कोई आवाज नहीं है तो जैसे ही बेटा आपने इन दरवाजों को बंद किया फर्स्ट हार्ट साउंड आई दैट इज लव अब तुम वेंट्रिकल को सिस्टोल कराओ ये भी बंद कर दिया ये भी बंद कर दिया अभी बेटा जी थोड़े टाइम के लिए सेमिलूनर भी बंद है तो वेंट्रिकल ना थोड़ा सा क्लोज चेंबर की तरह प्रतीत होंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन जिसको बोलते हैं देयर इज देयर विल कम अ स्टेज ऑफ आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन इसका क्या मतलब है कि जब मैंने एवी वॉल्व सारे बंद कर दिए और अभी सेमिल्यूनर भी बंद है तो अभी प्रेशर बना हुआ है वेंट्रिकल में। ब्लड प्रेशर डाल रहा है कि कुछ तो खोलो कुछ तो खोलो लेकिन अभी खोल नहीं पाया है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन है लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो किसको खोलेगा सेमिल्यूनर को खोलेगा और सारा ब्लड ऊपर आर्टरी की तरफ देन अल्टीमेटली सेमिल्यूनर विल ओपन सेमिल्यूनर ओपन हो जाएगा

ब्लड को वापस आने से रोको तो सबसे पहले तो सेमिल्यूनर वॉल्व को करो बंद है ना सेमिल्यूनर को बंद करना पड़ेगा ताकि ब्लड वापस ना आए तो यहां पर आएगी यहां पर आएगी मेरे पास सेकेंड हार्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं डप द सेटू किसके बंद होने से आई सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने से आई क्या खुलने से आती है नहीं खुलने से कोई आवाज नहीं आती आवाज हमेशा बंद होने से ही आती है अब तुम रिलैक्स हो लो हमने सेमिल्यूनर वॉल्व बंद कर दिए ब्लड वापस नहीं आ सकता अब वेंट्रिकल भी खुले बैठे हैं एट्रिया भी खुले बैठे हैं ऑल आर रिलैक्सिंग दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल अब जॉइंट डायस्टोल में हो क्या रहा है <laughs> पहले तो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व क्या डप आवाज आई एवी वॉल्व खुले बीच का वॉल्व तो खोल के रखना पड़ेगा एंड वेंट्रिकल भर रहे हैं समझ रहे हो वेंट्रिकल भर रहे हैं चारों चेंबर ओपन है ना बेटा ब्लड आई जा रहा है भर रहा है वेंट्रिकुलर फिलिंग सत्तर परसेंट आपकी जॉइंट डायस्टोल में होती है और थर्टी परसेंट फिलिंग एट्रियल सिस्टोल में भी होती है जब सिस्टोल करता है तब भी वेंट्रिकल भरते हैं ये जो सेवेंटी परसेंट हुई इसमें इनिशियल वन थर्ड बड़ा फास्ट होगा फटाफट भरेंगे फिर स्लो हो जाएगा मामला ठीक है रेस्ट क्या हो जाएगा स्लो ये जो स्लो वाला हो रहा है इसी को हम डायस्टेसिस बोलते हैं और थर्टी परसेंट जो फिलिंग हो रही है वो एट्रियल सिस्टोल में हो रही है ये क्या होती है फास्ट होती है ज इट अबाउट कार्डियक साइकिल ये है मेरा कार्डियक साइकिल अब अगर कोई तुमसे सवाल पूछ ले वट इज द गैप बिटवीन लव एंड लव और डप के बीच में कितना गैप है क्वेश्चन पूछ रही हूं फटाफट फड़ से बताओ लव और डप के बीच में सेकेंड्स में बताइए गैप कितना है इमिजिएट आंसर इमीजिएट आंसर यस yes. व्हाट इज द गैप बिटवीन टाइम के हिसाब से गैप बिटवीन सारे आंसर इस चार्ट में कोई आंसर चार्ट से बाहर नहीं है बेटा ऑल आंसर आर फ्रॉम चार्ट यस कितना है यस yes. ठीक है आसान है लव और डब के बीच में गैप कितना है बहुत आसान है आंसर आंसर आ जाएगा और और के के बीच बीच में में बताइए हो गया पहले वाले का आंसर तो ठीक बताया बड़ा आसान था जी कितना है जी पॉइंट थ्री सेम लिख दू कितना लिखू अगर लब और डब के बीच में पॉइंट थ्री है तो वो भी तो पॉइंट थ्री होना चाहिए यस yes, मेरे बच्चों हाँ जी कितना गैप है पिता उल्टा कभी नहीं जाते हैं पहले डप और बाद में लव नहीं होगी पहले लव होगी बाद में डप होगी यानी कि आपको सर्कल क्लॉकवाइज ही मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं तो अगर लव और डप के बीच में पॉइंट थ्री सेकेंड था तो डप और लव के लिए ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे जाओगे तो ये पॉइंट फोर भी क्रॉस करना पड़ेगा पॉइंट वन भी क्रॉस करना पड़ेगा आंसर आ जाएगा वेरी गुड अदिति ठाकुर आंसर आ जाएगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हां जी हाउ मच टाइम इज गिवन फॉर एट्रियल डायस्टोल एट्रियल डायस्टोल किस कितने समय में हो रहा है जैसे मैंने यहां पर एट्रियल सिस्टोल का टाइम बताया पॉइंट वन वेंटिकुलर सिस्टोल का बताया पॉइंट थ्री जॉइंट डायस्टोल का बताया पॉइंट फोर मैं चाहती हूं आप पता लगाएं एट्रियल डायस्टोल का कितना समय कितने समय में हो रहा है टाइम टेकन बाय एट्रियल डायस्टोल यहां कहीं नहीं है दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा एट्रियल डायस्ट्रोल बहुत सिंपल सा फंडा है जब एट्रिया सिस्टोल नहीं कर रहा है तो वो डायस्टोल कर रहा है एट्रिया सिस्टोल सिर्फ इस समय कर रहा है वन में यानी कि बाकी का सारा समय वो डायस्टोल कर रहा है बाकी का सारा समय ये हो गया है ना एट्रिया सिस्टोल तो सिर्फ पॉइंट वन सेकेंड कर रहा है बाकी का सारा टाइम वो डायस्टल कर रहा है बाकी का सारा टाइम यानी कि पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट फोर That is 0 .7, 0 .7 seconds. इसी तरीके से क्या आप का निकाल पाएंगे? निकालो. अब अब मैंने सिखा दिया. अब तो बहुत फंडा. जब वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं कर रहा होगा तो वो डायस्टोल करेगा है ना वेंट्रिकल सिस्टोल इस समय कर रहा है तो बाकी का समय वो डायस्टोल कर रहा है ये मेरा डायस्टोल का समय हो गया दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट फाइव

लंबे समय तक होगी एंड लोपिस्ट लोपिस्ट आवाज होगी ये उससे उल्टा डब विल बी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दिस विल हैव हाई कैसे याद किया मैंने एल फॉर लव एल फॉर लॉन्गर एल फॉर लोपेस्ट ठीक है एस वन एंड एस टू क्या है हार्ट साउंड हार्ट साउंड किसके बंद होने से आई लव इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवी वॉल्व्स दोनों एवी वॉल्व के बंद होने से आवाज आई ये आवाज क्यों आई क्लोजर ऑफ बोथ वैसे तो अगर आदमी नॉर्मल है, तो उसको यही दो आवाजें आती हैं। अगर आदमी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक एबनॉर्मल आवाज भी आ सकती है ठीक है एबनॉर्मल आवाज भी आ सकती है उस एबनॉर्मल आवाज को हम लोग बोलते हैं हार्ट मरमर क्या बोलते हैं हार्ट मरमर यस क्या बोलते हैं एबनॉर्मल साउंड को हार्ट मरमर दैट इज हार्ट मरमर ये लीकेज की आवाज है अगर वेंट्रिकुलर लीक लीक हो रहे हैं ब्लड वापस जा रहा है एट्रिया में तो उस समय जो आवाज आएगी दैट इज हार्ट मरमर ओके जी चलिए तो ये बात हो गई मेरे कार्डियक uh, साइकिल की कार्डियक साइकिल के आगे दो छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं अगला टॉपिक बेटा जी जो मैं कराने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी यस यस yes, ये देखिए यहां पर ध्यान दे रहे हो हार्ट मरमर इज बीजिंग साउंड थोड़ी सी आवाज आएगी स्टेटोस्कोप से सुन पाओगे ड्यू टू इनकम्पलीट इनकम्प्लीट इनकॉम्पिटेंट वॉल्व वॉल्व अच्छे से काम नहीं कर रहे वॉल्व का काम था ब्लड को रोकना बट ब्लड लीक होता जा रहा है हां जी आ जाइए ब्लड प्रेशर पे ब्लड प्रेशर क्या होता है ब्लड प्रेशर वहां से समझाती हूँ रुको आप छोटे छोटे टॉपिक्स रह ब्लड प्रेशर ईसीजी डिसऑर्डर्स रेगुलेशन आपने किस क्लास में एनरोल कर लिया सब बच्चों ने इस क्लास में एनरोल किया कि नहीं किया बताना कर लिया ना साढ़े छह बजे क्लास अच्छा आते हैं ब्लड प्रेशर आप जानते हैं ये ब्लड वेसल है है ना सबको पता है ब्लड वेसल है ब्लड वेसल के पास प्रॉपर वॉल भी है है ना इसकी दीवार है ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की फिर ये पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं इसकोमस सेल्स है अब ब्लैक हो गए ये इसकी वॉल है ट्यूनिका मीडिया है और ये इसके इंटरनल इंटाइमा, यानी कि स्कोमस सेल्स प्रेजेंट है ये देखिए बारी बारी, बारी ब्लैक हो जाते हैं ये इसकी वॉल है अब बेटा जी अंदर कौन बैठा है अंदर बैठा है ब्लड मी जस्ट ऑल्टरनेट एंड अंदर कौन बैठा है बेटा जी ब्लड दिस ब्लड इज पुटिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल ये जो ब्लड है ये आपकी ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है एंड जिस मात्रा में ये प्रेशर डालता है उसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर प्रेशर एक्सटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ तो आर्टरी अब मैम आपने इसको आर्टरी ही क्यों बोला ऑन द वॉल्स ऑफ आप वे वेन्स कर लेते हैं आर्टरी ही क्यों बोला इसके पीछे भी झोल है इसके पीछे क्या झोल है लेट मी जस्ट गो बैक जी बेटा इसके पीछे क्या झोल है जरा हार्ट के डायग्राम पे आओ हार्ट के डायग्राम पे आओ एट्रिया अगर प्रेशर डालेगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा वेंट्रिकल में आएगा वेंट्रिकल जब प्रेशर डालता है तो ब्लड आर्टरी में जाता है इसने प्रेशर डाला ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में इसने प्रेशर डाला ब्लड गया आयोटा में वेन्स में ब्लड डू नॉट फ्लो विथ प्रेशर क्योंकि वेन्स तो, तो हार्ट में आके खुलती हैं जो हार्ट से चलेंगी उसमें प्रेशर आएगा ना तो ब्लड प्रेशर इज अ

सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोल के वक्त प्रेशर होता है 120 ट्वेंटी ऑफ एचजी डायस्टोल के वक्त होता है 80 तो हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 बाय 80 थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10 चलता है इतना कुछ वो नहीं है लेकिन अगर बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए हाई प्रेशर हो जाए मतलब आप मानिए एक महीने से दो महीने से लगातार प्रेशर वन सिक्सटी चल रहा है तो दैट पर्सन विल हैव हाई ब्लड प्रेशर इश्यू जिसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं डिसऑर्डर्स में कवर करेंगे ठीक है तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ ब्लड प्रेशर एंड यहां पर एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए पल्स प्रेशर का पल्स प्रेशर पीपी पीपी पीपीज एसपी माइनस डीपी कितनी वैल्यू आएगी एक सौ बीस माइनस अस्सी एक सौ बीस माइनस अस्सी कितना होता है चालीस कितना होता है चालीस बीपी क्लियर बीपी क्लियर बीपी की समस्या तो नहीं है टेंशन लोगे बीपी बढ़ेगा गलत काम करोगे बीपी बढ़ेगा नमक ज्यादा खाओगे बीपी बढ़ेगा इसीलिए कामनेस होना बहुत जरूरी है बीपी बढ़ना मतलब हार्ट रेट भी तो बढ़ रहा है हार्ट ज्यादा प्रेशर लगा रहा है ज्यादा प्रेशर लगा रहा है मतलब तभी ब्लड बेटा वॉल्स पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है मतलब हार्ट पे जोर आ रहा है क्या हाई ब्लड प्रेशर अच्छी चीज है नहीं हार्ट आपका लगातार तेज तेज, तेज 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 काम कर रहा है देखो लिख के आए हैं कि कितनी सांसें लेनी है हमने मान लीजिए मैं लिखवा के लाई हूं मुझे सौ सांसें लेनी है या मुझे हजार सांस लेनी है पूरी लाइफ में अगर मैंने वो सांस जल्दी 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 ले ली तो मेरा टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा वो सांस लेने मैंने बहुत आराम आराम से गहरी सांस ली तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा सेम गोज विद हार्ट हार्ट को पता है कि उसने कितनी बारी बीट करना है पूरी लाइफ में अब तुम उसे हाई बीपी में तेज 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 बीट कराओगे तो जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी ना वेरी सीरियस डिसऑर्डर हम लेते नहीं है और आधे से ज्यादा दुनिया को पता नहीं है कि वो हाई बीपी के शिकार है ब्लड प्रेशर इज अ मोस्ट कॉमन मुझे लगता हर है हर घर में घुस चुका है एंड देर आर मेनी पीपल हु टेक ऑफ ब्लड प्रेशर हुई मदर एंड मेनी पीपल दैट आई नो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं लेकिन ये चीज योगा और डाइट से बिल्कुल ठीक हो सकती है बिल्कुल ठीक हो सकती है ठीक है ब्लड प्रेशर की बात हो गई अब बात करते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स की हाँ जी पहला न्यूमेरिकल

अब बेटा जी जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था रिलैक्स को क्या बोलते हैं डायास्ट्रोल जब वेंट्रिकल क्या कर रहा था रिलैक्स कर रहा था तो इसमें ब्लड भर रहा था वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही थी हो रही थी जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स कर लिया तो भर बर गया भरने के बाद बेटा जी हमारे पास आया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डायस्टोल के बाद का वॉल्यूम कितना है ये हमें पहले से पता है ये कितना है 130 कितना है 130 ml वेंट्रिकल ऐसे खुले बैठे थे भर रहा था भर रहा था मैक्सिमम कितना भर सकते हो 130 भर लिया भर लिया अब वेंट्रिकल का समय आया सिस्टोल 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 का का किसका समय आया सिस्टोल का। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल ने इसमें जो भी ब्लड प्रेजेंट था वो ऊपर भेजा आर्टरीज को भेजा भेज दिया, भेज दिया भेज दिया भेज दिया सिस्टोल करा भेज दिया सिस्टोल करने के बाद भी कुछ बच गया भेजने के बाद भी वेंट्रिकल में कुछ बच गया दिस इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना बच गया 60 एम बच गया 130 पड़ा था भेजने के बाद भी साठ बच गया तो कितना भेज दिया कितना भेज दिया स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक एंडी वन थर्टी माइनस दैट इज गोइंग टू बी सेवेंटी एम एल मतलब एक बारी में वेंट्रिकल कितना ब्लड भेज देता है ऊपर आर्टरी में सत्तर एम एल समझ गए तो मैंने यहां ये फॉर्मूला क्यों लिखा है ईडीवी माइनस ई एस वी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम

आंसर आ जाएगा फाइव जीरो फोर जीरो किस पे <coughs> ये हमारे नॉर्मल लोगों का वॉल्यूम लेकिन जो एथलीट्स होते हैं विराट कोहली उसका कार्डिक आउटपुट पांच लीटर होगा रोहित शर्मा आउटपुट पांच लीटर होगा जसप्रीत बुमराह पांच लीटर नहीं एथलीट्स का जो कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने अपनी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा रखी है ना बढ़ा रखी है उनका थर्टी लीटर्स तक चला जाता है हमारा तो पांच है उनका कहां तक जाता है थर्टी लीटर्स तक चला जाता है हा बेन स्ट्रोक्स ये स्टोक वो स्टोक सबका नाम लिख दो बेटा वुड्स लिख दो जितने मुझे पता है मैं सारे बता देती हूं यस <coughs> yes, तो ये बात होगी मेरे कार्डियक आउटपुट की इस पे बेटा सवाल आएंगे समझ जाओगे चलिए फिर मैंने आपको बताया माय हार्ट इज नॉट रनिंग बाय माय ब्रेन माय हार्ट इज रनिंग बिकॉज ऑफ द मसल्स प्रेजेंट अराउंड द हार्ट कहने का क्या मतलब है कहने का तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य ये है यस मेरा जो हार्ट है वो ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा हार्ट को ऑन करना ऑफ करना ये सब मेरे हार्ट की मसल्स का कमाल है आप समझिए मेरे हार्ट क... अरे कहा गया आ जाओ सीधे हो जाओ ओके और आ जाओ और सीधे हो जाओ यस ठीक ना ट इज माओजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब होता है द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स प्रेजेंट अराउंड द हार्ट आप जानते हैं हार्ट के अराउंड बेटा जी यहाँ पर देख लो ये मसल्स हैं ठीक है ये वॉल्स हैं इस वॉल में ही मायोकार्डियम है यही मसल्स बेटा जी हार्ट को चालू बंद करती है ठीक है जी ये मसल मिलकर एक प्रॉपर सिस्टम बना रही हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट या नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट ये मसल्स ही बताएंगे कब कॉन्ट्रैक्ट करना है कब रिलैक्स करना है यानी कि योर हार्ट इज ऑटो रिदमिक अपने आप चलता है इट इज ऑटो रिदमिक ऑल्सो इट इज मायोजेनिक खुद से इसने रिदम सेट करी हुई कि हर पॉइंट एट सेकेंड के बाद हर पॉइंट एट सेकेंड के बाद हर पॉइंट एट सेकेंड के बाद ठीक है जी यस yes. इनको बड़ी टेंशन है किसकी शादी हुई है किसकी शादी नहीं हुई है बेटा आप अपनी के बारे में क्यों नहीं सोचते मैं समझ नहीं पाती हूं कि आपको ये टेंशन क्यों रहती है दूसरे आदमी की टेंशन ये नहीं है कि अभी आधे घंटे बाद टेस्ट है टेंशन ये है कि क्या ये सिंगल है क्या ये कमिटेड है क्या इनका कुछ हो गया है बेटा ये क्वेश्चन आएगा पेपर में बताना ये क्वेश्चन आएगा पेपर में नहीं आएगा यस yes, आ जाओ तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हमारा हार्ट क्या है मायोजेनिक मायोजेनिक मतलब खुद से एक्साइट होता है ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटो रिदमिसिटी ऑटो रिदमिसिटी समझ रहे रिदम मतलब एवरी पॉइंटेड सेकंड पॉइंटेड सेकंड पॉइंटेड सेकंड के बाद नया साइकिल नया साइकिल नया बीट नया बीट तो रिदम किसने सेट की है हार्ट ने ही सेट की है किसने सेट की है हार्ट ने सेट किया अब दिख रहा ठीक है <laughs> रिदम किसने सेट किया हार्ट ने सेट किया है तो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम यानी कि नोडल टिश्यू इसको नोडल टिश्यू भी बोलते हैं नोडल टिश्यू भी बोलते हैं

इसके बाद आ जाता है मेरे पास एवी बंडल एवी बंडल लेफ्ट साइड गया राइट साइड गया और एवी बंडल ने ऐसे परकिंजे फाइबर्स बना लिए ठीक है ये एवी बंडल अलोंग विद लेफ्ट एंड राइट साइड इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज इतने से पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बंडल ऑफ हिज यानी कि अगर मुझे नोडल टिश्यू बनाना हो क्या बनाना हो कंडक्टिंग सिस्टम या नोडल टिश्यू तो मैं कौन से टिश्यू से बनाऊ एपिथिलियल मस्कुलर नर्वस या और कौन सा था कनेक्टिव किससे बनाऊं तो तुम बोलोगे मैं इसको मस्कुलर टिश्यू से बनाऊंगा देखिए चार चेंबर एक दो तीन चार ठीक है बीच में septum, yes. पहला इसमें कौन आ जाएगा राइट right एट्रिया की राइट वॉल right 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 से अटैच्ड एस ए नोड ठीक है दूसरा इसमें कौन आ जाएगा राइट right एट्रिया में के बगल में प्रेजेंट है एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड सब मसल है ऐसे नोड भी मसल है एवी नोड भी मसल है एवी नोट से चला ये छोटा सा ध्यान से साथ साथ करते जाओ एवी बंडल क्या बोलोगे एवी बंडल ये एवी बंडल लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड होता हुआ अल्टीमेटली पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को ढक लेगा विद द हेल्प ऑफ पर किंजे फाइबर्स क्या बन रहा है पर किंजे फाइबर्स ठीक है जी यस अब ये एवी बंडल इतना हिस्सा लेट मी जस्ट लेबल इट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस्स ओके तो ये सारा टिश्यू बताएगा कि हार्ट को कितनी बारी बीट करना है मतलब अगर हार्ट बहत्तर बारी बीट कर रहा है तो ऐसे नोड से सिग्नल भी 72 टाइम्स आता होगा ये 72 टाइम्स टाइम सिग्नल देता होगा कि तू बीट कर बीट कर पॉइंट एट सेकेंड हर पॉइंट एट सेकंड के बाद सिग्नल दे रहा है तो दीज आर गिविंग सिग्नल टू एवी नोड समझो ऐसे नोड एवी को सिग्नल दे रहा है एवी नोड आगे एवी बंडल को सिग्नल दे रहे हैं

कर लेता है इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू अल्टीमेटली हार्थ किस मतलब कंट्रोल किसके पास है कंट्रोल इज विध एसे नोड डिसाइड करेगा सेवेंटी टू टाइम्स करेंगे हंड्रेड टाइम्स करेंगे इसको बोला जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज साइनो एट्रियल नोड इट इज नॉट सिन एट्रियल सीनो एट्रियल नो पूरा नाम पता होना चाहिए साइनो एट्रियल कल क्वेश्चन आया था ना अब जिसने लगाया था उसको पता है जिसने नहीं लगाया उसको नहीं पता ठीक साइनो एट्रियल एवी नोड का पूरा नाम क्या है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये नोड सेट न, मतलब पेस पेस बनाता नहीं है है कि कितनी बारी बीट करना है। पेस को फॉलो करता है समझ लो ये पेस मेकर है इसने बोला बहत्तर बारी करेंगे एवी नोड फॉलोअर है ठीक है सर आप बोल रहे हो सेवेंटी टू टाइम्स करना है सेवेंटी टू टाइम्स कर लेते हैं तो ये पेस को सेट करके रखता है उसी लेवल पे दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं

आज मैंने बोला नहीं तो तुमने किया नहीं क्या हाँ जी आज मैंने बोला नहीं तो तुमने किया नहीं दैट इज सेशन को लाइक like. कर दो फिर अब बोली दिया मैंने तो कर दो फटाफट से सेशन को लाइक like. हैं सब बच्चे करें मैंने नहीं बोला तो तुमने नहीं किया बड़े वैसे हो तुम है ना अटेंडेंस खुद से नहीं लगाते लगवानी पड़ती है तुमसे अटेंडेंस लगाओ सब बच्चे फटाफट फड़ से लाइक करो सेशन को हाँ कमेंट भी करके जाना कैसा लगा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज पूरी कोशिश की है कि आप थ्री में भी समझ पाए और एक भी चीज हमारी मिस ना हो कंडक्टिंग टिश्यू डर नेक्स्ट करते हैं इसी जी लेटा दो इस आदमी को कौन लेटना चाहेगा चलिए एक आदमी को लेटा दिया ई जी में कर क्या रहे हैं वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिटर्मिन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कि हार्ट में करंट कैसे कैसे फ्लो करता है उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ईसीजी को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं ग्राम समझ रहे हो अलग अलग चीज है आपने इसी चीज देखी है ना पिप, पिप 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 पिपी अगर आदमी मर जाता है तो है ना मूवीज में देखा है सीरियल्स में देखा है कि वो लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ऐसे ऐसे चल रही होती है ये 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 पिप, 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 पी है ना लाइन अगर फ्लैट हो गई तो मामला खत्म तो ये जो वेव्स बन रही हैं ये जो ग्राफ पे आपको बनता हुआ आ रहा है वेव्स आ रही हैं ये वेव्स क्या बता रही हैं कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है कर रहा है तो कौन सा चेंबर कर रहा है दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जैसा कि बताया उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मतलब मशीन का नाम क्या है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ ठीक है जी यस yes. और जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ठीक है जी सबसे पहले इसको कौन डिस्कवर करके लाया आइंथोविन इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था अभी हम जो इसी पढ़ने वाले हैं वो एनसीआर के हिसाब की इसी है जिसमें हम जिसमें यहां से बता देते हो जिसमें हम एक आदमी को ले रहे हैं और उसके साथ तीन लीड्स लगा रहे हैं वैसे असल में सिक्स लीड वाली भी है ट्वेल्व लीड वाली भी है मॉडिफिकेशन आ गई हैं बट हम अभी जो इसी कर रहे हैं वो थ्री लीड्स वाली कर रहे हैं एनसीआरटी कहती है कि इसी कैलकुलेट करने के लिए एक आदमी को लिटा दो लिटा दिया तीन लीड्स लगानी है एक लेफ्ट रिस्ट पे राइट रिस्ट पे ठीक है और एक लेफ्ट एंकल पे ये समझ रहे हो ना ये लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट right साइड है ठीक है तो दोनों रिस्ट पे लगा दी और एक एंकल पे लगा दी तो अब जोड़ के देखो एक ट्राइंगल बन गया एक क्लोज सर्किट बन गया और इस क्लोज सर्किट के बीच में कौन आ चुका है हार्ट आ चुके क्लोज सर्किट बन गया बीच में कौन आ गया आपका हार्ट आ गया तो अब चालू कर दो तो, कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट अगर एक आदमी का हार्ट ठीक से काम कर रहा है तो उसकी इसीजी में मुझे थ्री टाइप की वेव्स दिखाई देंगी अगर एक आदमी का हार्ट सही से काम कर रहा है तो उसकी ईसीजी में थ्री टाइप की वेव्स दिखाई देंगी ये पहली वेव पी वेव नेक्स्ट वेव क्यू आर एस क्यू आर एस इकट्ठे काउंट होती है एंड तीसरी वेव टी वेव तो पी क्यू आर एस टी अगर नॉर्मल है तो अगर अब नॉर्मल है तो फिर वेरिएशन आ जाएगा मतलब ईसीजी को पढ़ के आप बता सकते हो क्या गड़बड़ चल रही है ठीक है पी वेव बेटा जी तब बनेगी जब एट्रिया डीपोलराइज करेंगे डीपोलराइज का मतलब हम 11th क्लास के नर्वस सिस्टम में सीखते हैं आप अभी के लिए समझ जाइए कि जब भी किसी चेंबर को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो पहले सिग्नल आता है न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं वो जब सिग्नल लेके आते हैं तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं मतलब एक तरीके से सम, तुम समझो आम... कि अगर तुझे काम करना है तुम्हें काम करना है, तो डंडा आता है ना टीचर का टीचर जब तक नहीं बोलेगा काम नहीं होगा वैसे ही काम करना है एट्रियल सिस्टोल का डंडा क्या आ रहा है डिपोलराइजेशन जब तक डिपोलराइजेशन नहीं होगा तब तक सिस्टोल नहीं होगा यानी कि डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाई सिस्टोल डिपोलराइजेशन के बाद सिस्टोल होगा ही होगा तो पी वेव कब बनेगी डिपोलराइजेशन या सिस्टोल आंसर आएगा डिपोलराइजेशन जब एट्रिया डिपोलराइज करेंगे तब पी वेव बन जाएगी

तीन वेव तब बनते हैं जब बेटा जी वेंट्रिकल रिपोलराइज करते हैं रिपोलराइज मतलब दोबारा रिलैक्स करने की तैयारी करते हैं तो तीन वेव्स पी क्यूआरएस टी पी कब बनी एट्रियल डिपोलराइजेशन क्यूआरएस आर एस कब आई वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और टी कब आई वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इतना याद हो गया मैच द तो फॉलोइंग आएगा इसमें मैच द तो फॉलोइंग आएगा अब अगर कोई पूछे कि जितनी बारी तुम्हारे हृदय में वेंटिकलराइज पोलर, करेंगे करता है 72 वही तुम्हारा हार्ट रेट है समझ रहे हो वही तुम्हारा क्या है, हार्ट रेट है। तो मतलब नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू पल्स रेट जितनी बारी क्यू आर एस बनेगा ये देखो ऐसे चलती है ये ऐसे चलती है ये ऊपर जो जा रही है दैट इज क्यूआरएस क्यूआरएस मतलब अगर मैं एक मिनट में ये क्यूआरएस गिन लूंगी तो मेरे पास तुम्हारा पल्स रेट आ जाएगा मतलब एक मिनट में कितनी बार वेंट्रिकल डीपोलराइज किया ठीक है जी तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू पल्स रेट अब अगर कोई तुमसे पूछे सबसे हाई एम्पलीट्यूड वाली कौन सी वेव है सबसे हाई एम्पलीट्यूड वाली कौन सी है r सबसे लो वाली कौन सी है s आर सबसे ऊपर जा रहा है एस सबसे नीचे जा रहा है ओके okay, अब एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन द ईसीजी विल टेल यू अबाउट द डिसऑर्डर कि क्या प्रॉब्लम चल रही है कोई भी प्रॉब्लम है बेटा जी आप ईसीजी से पता लगा सकते हैं लेट मी शो यू यूट मी शो यू जैसे अगर मान लो ये पी था क्यू आर एस टी एलिवेट हो गया एस टी सेगमेंट एलिवेट हो गया ये चीज क्या दर्शाती है कि आपका हार्ट का टिश्यू डेड हो गया इनफॉक्शन अब मान लो पी था क्यू आर एस टी नीचे हो गया डॉक्टर को दिख रहा है यह चीज क्या दिखाती है मायोकार्डियल स्कीमिया स्कीमिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन टू टिश्यू मायोकार्डियल मतलब हार्ट का मायोकार्डियम कार्डियक मसल को कम कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिले। अगर कार्डियक के किसी हिस्से को कम मिलेगी, स्कीमिया, तब वेव ऐसी बनेगी अगर लंबे समय तक स्कीमिया रहा तुमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो एरिया डेड हो जाएगा डेड का मतलब है इन्फेक्शन इसी को हार्ट अटैक भी बोलते हैं आएगा अभी थोड़ी देर में चलिए तो ये बात होगी मेरी आ, ECG की ECG is now done. Then चलते हैं regulation of heart rate. Regulation बेटा जी दो तरीके से होता है neural regulation and hormonal. Neural मतलब आपके blood में कुछ ऐसे chemicals release होते हैं जो heart rate बढ़ाते हैं Paper सामने आ जाए बहत्तर रहेगा सेवनटी टू रहेगा नहीं वो बढ़ के हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगा अगर किसी से झूठ बोला हो पकड़े जाओ हार्ट रेट बढ़ जाता है ना यानी कि देर आर सर्टेन केमिकल्स इन योर बॉडी विच कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड देर आर सर्टेन केमिकल्स विच कैन डिक्रीज तो कार्डियो एक्सेलरेटर कार्डियो इनहिबिटर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कार्डियो एक्सेलरेटर में सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा एड्रेन और नॉन एड्रीन फाइट फ्लाइट फ्लाइट जब डर लगता है जब लड़ाई होती है और जब हम भाग रहे होते हैं फ्लाइट जल्दी में होते हैं तो हार्ट रेट तेज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो कब होता है पैरासिंपथेटिक जिसमें क्या रिलीज होता है एसिटाइल कोलेन ओके जी चलिए कुछ हॉर्मोन्स है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं थायरोक्सिन है एपिनेफरिन है इनकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ता है ये बात हो गई आपकी रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट की ठीक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट नेक्स्ट आपके पास आता है आर्ट्रीज एंड वेन्स ये मैं आपको वहां से दिखाती हूं सीधा थ्री डी में देखेंगे बेटा आ जाओ इतना समझ आ गया यस yes, इतना समझ आ गया चलो आ जाओ लेटस्ट सी ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ हम्म दिखा रहे yes, यहां से समझते हैं आर्टरी एंड वेन दिख रहा है सबको यस yes, बीच में नेटवर्क बना हुआ है सबसे पतली वाली वेसल कैपिलरी तो जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसे अपने पास है हमारे पास तीन तरीके की यू कैन से तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती है पहली आर्टरी ये वाली जो बनी हुई है ये आर्टरी है ये देखिए जो बीच में ब्लैक हो जा रही है दिस इज आर्टरी ये है वेन्स और ये बीच में छोटी छोटी जो बनी हुई है दीज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज क्या, क्या बोलोगे इसको कैपिलरी बोलोगे अब जरा आर्टरी को ध्यान दो आर्टरी इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स ये देखो थ्री लेयर्स लेयर नंबर वन ये देखिए ये एक्सटर्ना है लेयर नंबर टू मीडिया लेयर नंबर थ्री इंटरना यस yes, इंटरना <coughs> समझ गए यस yes, समझ गए ये इंटरना थ्री लेयर्स है मैं सिर्फ आर्टरी को फोकस कर रही हूं सब बच्चे सिर्फ आर्टरी देखेंगे बीच में तो बेटा खाली जगह है. सिलेंडर है इस तरीके का ये पानी पी लेती हूँ बीच में खाली जगह है इसकी वॉल के बारे में बात हो रही है किसकी हो रही है वॉल के बारे में सो द आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका ट्यूनिका सबसे बाहर वाली कौन सी होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली देखिए ब्लैक हो चुकी है ये देखिए मैंने ब्लैक करी अब दिख रही है दोबारा तो कर रही हो ट्यूनिका एक्सटर्नल ये वाली कौन सी होगी ट्यूनिका मीडिया एंड ये वाली कौन सी होगी अंदर वाली एक सेकेंड रोकी ये वाली कौन सी होगी ट्यूनिका इंटरना तो थ्री लेयर्स हैं अगर तुम यहां ध्यान दोगे तो इसका जो मीडिया मीडिया के पास मसल्स होती हैं मसल्स बहुत थिक हैं आर्टरी के पास मस्कुलर लेयर काफी ज्यादा है काफी ज्यादा है अब जरा इधर आ जाओ वेंस पे वेन्स को फोकस करते हैं यहां पर हां जी ध्यान देना वेन्स में ये है सबसे बाहर वाली सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटरना एक्सटरना बहुत पतली है ये ट्यूनिका मीडिया इसकी कितनी ज्यादा पतली है बेटा आर्टरी की मसल लेयर बहुत मोटी थी इसकी मसल लेयर काफी पतली है एंड देन आपके पास आ जाएगी इंटरनल लेयर ये वाली आपकी आ जाएगी इंटरनल लेयर ठीक है अब बेटा तुम जरा देख के बताओ खुद से रिकॉग्नाइज करके बताओ किसके अंदर तुम्हें लगता है ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा कौन सा किसका ल्यूमन बड़ा है यस यहां से और अच्छी क्लैरिटी किसमें ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा ये मेरी आर्टरी थी आर्टरी में कितनी मोटी मस्कुलर लेयर है ये मेरे पास वेन है वेन की तो मस्कुलर लेयर बहुत पतली होती है तो तुम देख पा रहे हो ल्यूमन किसका नैरो है और किसका वाइड है यस अरे 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 यस हांजी देख रहे है? वेन का ल्यूमन बड़ा है वाइड है आर्टरी का ल्यूमन क्या है छोटा है आर्टरी का ल्यूमन क्यों कम है ल्यूमन मतलब बीच की जगह ये बीच की जगह आर्टरी में कम है क्योंकि उसकी साइड की लेयर बहुत मोटी है और बेटा जी वेन्स का ल्यूमन काफी वाइड है क्योंकि उसमें मस्कुलर लेयर पतली होती है मतलब आउट ऑफ आर्टरी एंड वेन किस में ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा बताओ किसमें ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा ऑब्वियस ही बात है जिसके पास मसल ज्यादा है वो प्रेशर से फ्लो करेगा मसल ज्यादा किसके पास है आर्टरी के पास है आर्टरी का मीडिया काफी मोटा है तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है वो में फील भी तो होता है ये देखो ये आपकी रेडियल आर्टरी है कैन यू फील दिस हाँ सब बच्चे फील करते हैं यहां पे ऐसे करके देखो निकल आएगा आपका ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है. हाँ. तो है. है ना अब वैसे तो आर्टरी लेकिन कुछ आर्टरीज बेटा जी ऊपर ऊपर होती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं वो क्यों फील कर पा रहे हो क्योंकि आर्टरी के पास मसल ज्यादा है ब्लड फ्लोइंग इन वेन्स कैन यू फील ये सारी वेन्स है सुपरफिशियल सारी वेन्स होती हैं हम नहीं फील कर पाते क्यों क्योंकि झटके नहीं लग रहे ना झटके तो तब लगेंगे जब मसल है इसके मसल ही नहीं है अच्छा अब आर्टरी में तो ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो इसके ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूं वेन्स की वेन्स में प्रेशर तो यार कम है ब्लड का क्योंकि मसल नहीं है इतना तो ब्लड बड़ा धीरे धीरे फ्लो कर रहा है यानी कि इन केस ऑफ वेंस देर आर हाई चांसेस कि ब्लड बैक फ्लो हो जाए वापस जाने के चांसेस है ना इसके वापस चला जाए मान लो ब्लड ऊपर आ रहा था वापस चला जाए वेन्स में प्रेशर नहीं है ना तो प्रेश इस ब्लड को बैक फ्लो से रोकने के लिए बेटा जी क्या मौजूद है वॉल्व इनको बोलते हैं वेनस वॉल्व देख रहे हो क्या आर्टरी में इस वॉल्व की जरूरत है

कैपिलरी सिस्टम कैपिलरी सिंगल लेयर की बनी हुई है ओनली एंडोथिलियम क्या प्रेजेंट होता है जितनी पत्ती लेना है ब्लड वेसल्स okay. <coughs> so सारी हमने कर ली है ब्लड वेसल हाँ जी आ जाओ यही लिखा है आर्ट्री वो होती है विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लिखा है, मैंने अवे फ्रॉम हार्ट एंड टूवर्ड्स हार्ट ब्लड टूवर्ड्स हार्ट ठीक ब्लड वेसल वाला पोर्शन पूरा हो गया अच्छा लिम्फ बताना है लिम्फ से पहले मैं आपको डिसऑर्डर्स बताती हूं आ जाओ ये हमने कर लिया ये कर लिया रेगुलेशन कर ली डिसऑर्डर्स पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फैटिक सिस्टम देखिए पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फैटिक सिस्टम मैं आपको अभी समझा दूंगी पहले डिसऑर्डर देख लो पहला डिसऑर्डर है बेटा हाई बीपी हाई बीपी क्या होता है अगर ब्लड प्रेशर 120 सौ बटे अस्सी से ज्यादा हो जाए प्रोलॉन्गली ज्यादा हो ऐसे नहीं एक बार ज्यादा आ गया लंबे समय तक अगर ज्यादा आ रहा है इसको हम हाइपर बोलते हैं ये हाइपर तीन ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है ठीक है तीन ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है दैट इज गोइंग टू बी ब्रेन किडनी एंड ऑफकोर्स योर हार्ट ठीक है यस yes, ब्रेन को कैसे इफेक्ट आएगा अगर बेटा हाई बीपी ब्रेन ब्रेन में चलेगा ब्लड वेसल फट सकती है स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में किडनी को कैसे इंपैक्ट करेगा किडनी तो बेटा चलती जीएफआर से वहां पर प्रेशर से ही सारा काम हो रहा है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर गुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर तो किडनी विल अफेक्टेड और अगर ये हाई बीपी चला तो आपके हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हार्ट धीरे धीरे वीक होता जाएगा ठीक नेक्स्ट आता है कॉरेनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है कॉरेनरी आर्टरी डिजीज मान लीजिए बेटा ये आपकी वैसल है इस वैसल में ये आपकी वैसल है इस वैसल में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल छोला भटूरा पाव भाजी आलू का पराठा सब आके जम जाए बहुत साल खाया 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 ब्लड वेसल ही आपने वो बैन एक तरीके से आपने ब्लड वेसल के अंदर क्या कर दिया एक रोड़ा रख दिया ठीक है इतना खाने के बाद जमावट हो गई है कौन सी ब्लड वेसल में कॉरेनरी आर्टरी में कॉरेनरी आर्टरी कौन सी थी ये शो यू ये देखो याद है कॉरनरी आर्टरी वो थी जो हार्ट को ब्लड देती थी अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो हार्ट को ब्लड कम मिलेगा मतलब हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है अगर हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा बेटा क्या होगा मायोकार्डियल स्कीमिया इस्कीमिया मतलब इतना हिस्सा हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लंबे समय तक नहीं मिलेगा तो इन्फॉक्शन यानी कि डेड हो जाएगा और अगर हार्ट का पोर्शन डेड होता गया होता गया होता गया

ठीक है एंजाइना कैना कर इन मैन एंड वोमेन ऑफ एनी एज बट बेटा मिडल एज और थोड़े बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है एंड इट अफेक्ट द ब्लड फ्लो मतलब अगर तुम्हारे हार्ट का पोर्शन डेड होने लग जाए ये डेड हो गया ये डेड हो गया तो पेन होगी उसी समय डॉक्टर के पास लेके जाना है इट कुड बी अ हार्ट अटैक ठीक है लेफ्ट साइड पे अगर पेन हो देन अगला टर्म आता है हार्ट फेलियर फेलियर मतलब अपना कर्तव्य करने में फेल हो जाना हार्ट फेलियर इज नॉट हार्ट अटैक अलग है अलग है बेटा हार्ट अटैक तो समझ गए हार्ट अटैक तो समझ गए हार्ट अटैक क्या था स्कीमिया ऑक्सीजन कम मिला ठीक है स्कीमिया स्कीमिया के बाद इंफॉक्शन तो तुम्हें अटैक आया दिस इज हार्ट अटैक अगर ज्यादा एरिया में इंफॉक्शन है तो बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा हां जी दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा हार्ट फेलियर

फेलियर पढ़ो यस तो हार्ट फेलियर मीन स्टेट ऑफ हार्ट इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली अगर पंप ना कर पाए वो होता है हार्ट फेलियर अगर तुम अपना कर्तव्य ना कर पाओ वो है हार्ट फेलियर एंड इट इज समाइम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स वन ऑफ द रीजन ऑफ हार्ट फेलियर अगर हार्ट काम नहीं कर पा रहा वो लंग्स भी हो सकती हैं लंग्स के कंजेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है ठीक दो टर्म्स हो गए नेक्स्ट आता है कार्डियक अरेस्ट

होना भी नहीं चाहिए नखरे नहीं अब दिखाने हैं अब बस जो बोला जा रहा है कंप्लीट करते जाना है दो पैराग्राफ रहते हैं दो पैराग्राफ नहीं एक पैराग्राफ इफेक्टिवली रहता है पोर्टल के तो दो लाइनें वो इस गिव अवे में आपको मिलेगा ठीक है साढ़े छह बजे है लिंक यहाँ पेंड है आ जाना अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो फटाफट से कर दो तो. <laughs> सेशन को कंप्लीटली लाइक करिए एंड कॉमेंट जरूर करके देना बाकी सब करा दिया एवरीथिंग इज डन रीड करोगे एक एक लाइन मक्खन निकलेगी और इसका टेस्ट है अभी शाम को एंड दो चीजें वहां पर बताऊंगी ठीक कह रहे का सिम्टम क्या होता है बेटा मैं बोल रहा हूं कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट अगर हार्ट बीट करना ही बंद कर देगा तो क्या सिम्टम चाहते हो थोड़ा सा मरा हुआ चेहरा भी दिखा दें यहां पर है बिल्कुल बंद होके बैठ जाए तब तुम्हें लगेगा कि सिम्टम क्या है इसका कंप्लीट स्टॉपेज पर्सन हैज डाइड डेथ का क्या सिम्टम होता है डेथ का सिमटम इज आईज विल क्लोज नो ब्रीदिंग नो रिस्पॉन्स नो कॉन्शियसनेस गजब हाँ जी चलिए आ जाइए यहां पर साथ ही में बेटा आपको मैं बता दूं ऑफर चल रहा है आज लास्ट डे है Uh, आप लोग ले सकते हैं कोड लगाना है सीप सीपलाइव जिससे आपको सारे क्रैश कोर्सेज पर मिलेगा 25 परसेंट ऑफ एंड फोर मंथ्स का एक्सटेंशन 2024 को भी 2025 को भी यहां पर देखिए 2024 को टू मंथ्स का एक्सटेंशन है 2025 वालों को फोर मंथ्स का एक्सटेंशन है और न्यू एन सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस स्टार्ट हो भी चुके हैं जैसे आप यहां पर देख रहे हैं फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो चुका है इस बैच में आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए और इतने अमेजिंग टीचर से पढ़ना है तो आप कोड लगाइए सीप लाइफ उससे बेटा जी आप इस बैच में पहुंच जाएंगे और अभी आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ भी मिलेगा बस आज तक है कल नहीं रहेगा तो आप लोग जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नीचे लिंक पिंड है साथ ही में अगर आपको पीवाई क्यूज की लिस्ट चाहिए पूरी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाई क्यू अटेंट करना है पेपर की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट तो नीचे टूल किट का लिंक है वहां से जाकर आप कर सकते हैं ठीक है <laughs> चलो मेरे बच्चों मिलते हैं स्पेशल क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगर अच्छा लगता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं सीप डॉट पाउजा मतलब सी पाउजा सर्च करना मिल जाएगा मेरा हैंडल अगर आप अटेंड करते हैं और इंस्टाग्राम पे है तो डू शेयर इट विद मी अगर आप नोट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे शेयर इट विद मी इफ यू हैव बॉट दिस बुक एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर द रिव्यू विद मी ओवर देयर ठीक है जी चलो मिलते हैं अब साढ़े छह बजे हाँ ये आ गया इंस्टाग्राम यार यही दिखा रही थी ठीक है ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे टेलीग्राम मेरे ही नाम से सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना वहां पर मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी अब हम मिलते हैं के फाइनल धमाकेदार सेशन में ये कौन चिल्ला रहा है लिम्फेटिक वाला बेटा लिम्फ आपका लगता है ठीक नहीं है मिस्टर पठान एंड and... पठान और ये क्लास सुनी नहीं है चेक करने आते हो क्या चेक करने आते हो अच्छा ये कराया हट ये करा दिया हाँ ये करा दिया लिम्फ तो रह गया सुना बेटा तुमने एक अक्षर नहीं अगर तुमने सुना होता तो तुम्हें पता होता लिम्फ कब हुआ या कब होगा पोर्टल कब हुआ या होगा तुम तो चेक करने आए थे दिस। ध्यान यहां नहीं था, तभी पठान जी आवाज आ रही है ठीक चलिए एनी वे अब जिसका ध्यान था बेटा इनको बता देना नहीं तो बेचारे बच्चे रह जाएंगे मैं नहीं चाहती कि पठान जी का भी सिलेक्शन रह जाए पठान जी को भी सिलेक्ट होना चाहिए लेकिन इनका ध्यान नहीं था क्लास में अभी इनको पता नहीं चला उस बारे में तो प्लीज इनको बता दीजिएगा उसके बारे में आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास कल एक्सक्रीशन स्टार्ट हो रहा है मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दैट एंड कॉमेंट हर बच्चा करके जाएगा कि आपको सेशन कैसा लगा ठीक थैंक यू सो मच बेटा जी टेक केयर